गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कल टेस्ट है शायद या आज है? कल है। संदीप यार इसको साफ करवा। आखिरी क्या था? बचत चल रहा था शायद। ये साफ करो यार, आता नहीं क्या? धीरे धीरे इधर से भी करवा। क्या चीज? ठीक है। हाँ जिसका नंबर कल आपका। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो पता है भारत 1947 में आजाद हो गया था। तब से मैं इस आजाद राष्ट्र का आजाद नागरिक हूं, जो मेरी इच्छा वो करूं। तो बाध्य कर रही है कि अनुरोध कर रही है? ये पेच और भेज भाई। पहले बताऊं कि क्लास के बाद में बताऊं? पहले बताऊं, कल टेस्ट तो होगा 100% है ना, उसमें तो कोई 19-20 मत सोचना। तेरी हिम्मत को दाद देता हूं। तेरी इंश्योरेंस है क्या? एक नोट्स निकालो जरा, कहां लिखोगे? पीछे पीछे तो लिखना मत, है ना, बेहद जरूरी चीज होती है ना। या तो नोट्स के बीच में ही कहीं लिख लो, या कोई ऐसी नोटबुक हो जो तुम्हारे जीवन भर काम आने वाली हो। आंसू राइटिंग की नोटबुक मंगवाई थी, लाए हो सारे? कौन ऐसा है जो नहीं लाया? तुम सारे खड़े हो जाओ। ये बीच में कोई बैठा तो नहीं बैठा इनकी आड़े में है? सब खड़े हो इस लाइन में, लास्ट में कोई जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो आ गया, जो इनको पीछे कर दो, पूरी क्लास में खड़े ही रहेंगे बेटा। ठीक है, दिख रहा है तुम दोनों को बीच में है? नहीं दिख रहा तो इनको पीछे भेज देना, है ना, तुम खड़े रहो। किस खुशी में नहीं लाए? कोई ऐसा भी है जिसको पता नहीं था? किसको नहीं? तुम्हें नहीं पता था क्यों? उस तुम्हारे आने के बाद कभी नहीं बताया ऐसा? तुम कब आए थे? हैं? 9 अगस्त का मतलब हो ही नहीं सकता नहीं बताया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। रिकॉर्डिंग होती है हर चीज की। झूठ पकड़ा गया तो 3 दिन खड़ा रखूंगा, सोच लेना। कितनी तारीख को बताया था?
5-7 दिन पहले ही बताया था। हाँ, हिंदी में ही बताया था, विश्वास कर मेरा ना, उर्दू आती नहीं मेरे को, अंग्रेजी में बोलता नहीं 8 बजे से पहले। बैठो, कल होनी चाहिए सबके पास में ना। जहां कहीं भी लिखो अपने पास अंतिम समय तक रहना चाहिए, है ना। ये तो पता ही होगा, एग्जाम के 3 चरण होते हैं ना। पहला जो होता है उसको हम प्री कहते हैं, दूसरा जो होता है वो मेंस होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या है, इंटरव्यू है। तुम 18 बार प्री पास कर लो, लेकिन जब तक मेंस और इंटरव्यू पास नहीं होगा तब तक कोई महत्व नहीं उस प्री का। मानते हो इस बात को? ये जो प्री होती है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, ये तुम 150 नंबर की अगर आरएस की एग्जाम है ना, उसमें से तुम 140 ले आओ और ये 70 ले आओ, बात बराबर है ना। तुम्हें पास करने वाला चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास 150 है कि 70 है, क्लियर है। वो तो इतना देखेंगे कि अंत में एक चीज लिखी रहती है क्वालिफाई, है ना, और उस क्वालिफाई से एक बुरी चीज होती है, उसके आगे लिखा रहता है नोट क्वालिफाई, है ना। तो जब नोट लगता है इसका मतलब अगले साल फिर मिलेंगे, है ना, और क्वालिफाई लिख गया तो मतलब किस्मत तुम्हारी कहां तक पहुंच गई, मेंस तक। पर एक छोटी सी समस्या है, गौर से सुनना, है ना। जब आदमी प्री से फेल हो जाता है तो 2 या 3 दिन ही निराश होता है, इतना ही होता है, क्योंकि अगले साल फिर मौका मिलेगा, है ना। तो आदमी ने बड़ा अपने आप को मजबूत कर रखा है कि हर साल आएगी और जब तक एग्जाम में पास नहीं होता तब तक मैं थकूंगा नहीं, है ना, यही तुमने सोच रखा है। पर दिक्कत क्या है, जब तुम प्री पास कर लो और फिर मेन से वापस लौटो तो बुरा बहुत लगता है, और 3 दिन नहीं 30 दिन सदमे में रहोगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, मेन्स गधों की होती है ना, दिमाग विमाग सब कहाँ होता है, प्री तक होता है ना। मेन से बेहद आसान होती है, क्यों होती है जरा गौर से देखो। जब बात आरएस मेंस की करोगे तो टोटल कितने नंबर की होती है, 800 नंबर की, क्लियर है। 4 पेपर होते हैं, 200 के हिसाब से कितने नंबर की हो गई, 800 नंबर की। और जो इंटरव्यू होता है वो कितने नंबर का, 100 नंबर का, क्लियर है। तो 800 प्लस 100 कितना हो गया, 900 नंबर। चुनौती क्या है जरा गौर से सुनो, जिसने 350+ नंबर लेकर आ गया वो 100% पास है। कितने नंबर लेकर आ गया, कितने में से, 900 में से। समझ आ रहा है कि 900 में से जिसके 327.5 लास्ट मेरिट थी, है ना, तो चलो 19-20 होता है तो 350 तक जा सकता है, इससे बढ़कर नहीं। 350 नंबर वाला 100% सुरक्षित होता है, पर जीवन में किस्मत पर रिस्क मत खेलो, कितना मान लो, 400+। पर ये जरूर है कि जिसके 400+ आ गया वो राजस्थान टॉप करेगा, है ना। तो राजस्थान टॉप करने का सपना रखो ताकि पास हो जाओ, है ना। 900 में से कितने लाने हैं, आसान है कि मुश्किल है, है ना, बेहद आसान है। कारण क्या है जरा देखो, जितना भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा 800 नंबर का, गारंटी दे रहा हूं 100%, 1% कोई सवाल हो गया तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने इस तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा हो। केवल कितना प्रतिशत सवाल, 1%, क्लियर है। यानी जब भी सवाल को पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा आंसर तो आता है, आंसर तो क्या होता है, आता है, बस दिक्कत है कि आता है कि नहीं आता है इस पर निर्भर करता है ना। जैसे यूपीएससी का सवाल पढ़ोगे तो सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपीएससी के लोग 60% तो सवाल समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है ना। पर आरपीएससी का नियम है कि अगर 100 सवाल होंगे तो गारंटी दे रहा हूं 99 सवाल ऐसे होंगे जो आपने अपने नोट्स में या किसी किताब में पूरी 1 साल की तैयारी के दौरान पढ़ा है। 2-3 साल की जरूरत नहीं है, 1 साल की तैयारी के दौरान ये क्या किया है, पढ़ा है, क्लियर है। 1 साल की तैयारी के दौरान पढ़ा, उस पर भी फिर क्या करना है, लिखना है ना। पर संकट देखो, आगे चलकर समझते हैं कि क्या संकट है, और फिर भी नंबर कितने लाने हैं, 400। अजीब कहानी नहीं है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है वही पूछ रहा है, उसके बाद भी 400 वाला टॉपर बन रहा है। लिखते सब हैं, याद रखना एक चीज और, गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि 15,000 बच्चे जैसे प्री में पास किए, 1,000 आरएस शून्य है, तो 15,000 बच्चे प्री में पास किए तो मेंस में कितने लोग बैठेंगे, 15,000, यही होगा। अब मेंस में 15, और सुना होगा मेंस प्लस इंटरव्यू की मेरिट 7 जुड़ती है,
याद रखना, ये सब अफवाहें होती हैं। अगर कोई आपके दिमाग में हो तो भी पूछ लेना, अगर इंटरव्यू में 0 नंबर भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके तो 400 नंबर टोटल होने चाहिए। क्लियर है? इंटरव्यू तक अपनी उम्मीद भी मत करो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, है ना, मानकर चलो कि 0 ही देगा, है ना। खुद ही सोचो, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि आपको पता है कि मेंस में आपके 400+ हैं, अब इंटरव्यू में सामने इंटरव्यू लेने वाला ताकतवर नहीं, तुम ताकतवर हो, है ना। कोई आए तो आए, ना आए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है ना। सवाल पूछता है, नहीं आता तो साफ मना करो कि नहीं आता है ना, क्योंकि घबराने की जरूरत ही नहीं, हम तो हमारे पैर कहां मजबूत कर चुके हैं, मेंस में ही, है ना। आप 0 दे दो, माइनस में तो देने से रहे, है ना, 0 ही दोगे, 0 दे दो, कोई आपत्ति नहीं है ना। हालांकि 0 कभी जीवन में आएगा नहीं, कारण क्या है, वो पहला सवाल यहां से शुरू करता, हरेश क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। फिर जो भी तुम कहते हो, मम्मी ने कहा या पापा ने कसम दी है ना, उसके बाद वो पूछता है कि क्या क्या करोगे इस सेवा के अंदर, या बहुत सी चीजें होती है। जैसे आपके एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो उसमें लिखा आप बीटेक धारी थे ना, तो बड़ा तंज से मुस्कुराएगा भी, है ना। कोई हो तो दिल पर भी मत लेना, आखिरी में बैठी है एक तो, है ना, ठीक है। आप बीटेक धारी हो तो पूछेगा कि इंजीनियर बनने वाले थे, आरएस का सपना कैसे आया, है ना, दिमाग में, क्योंकि आपने तो बीटेक किसके लिए की थी, इंजीनियरिंग के लिए। तो आपके पास एक ठोस जवाब होना चाहिए कि भाई इस वजह से, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहोगे मेरी मर्जी है तू क्या करेगा ना, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, तो वो तो आपको केवल सुनना चाहता है। क्लियर है? रीजन क्या है, कल को आरएस बनोगे, 10 साल बाद नौकरी छोड़ दो, इससे अच्छा है कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा ही खर्च ना करें, है ना। जैसे अभी सुना होगा एक छत्तीसगढ़ वाले ने कल ही छोड़ी है नौकरी, एक ओपी चौधरी के नाम से, है ना, 10 साल से छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण विकास के सर्वश्रेष्ठ आईएएस अधिकारियों की श्रेणी में आता था, है ना। 10 साल तक उस राज्य ने उस पर विश्वास किया, आज उसकी जब कठोर जरूरत पड़ी तो राजनीति में उतर आया और उसने आईएएस की एग्जाम क्या कर, आईएएस की पद ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसने एक अजीब सा जवाब दिया है, हो सकता है उसके मन की संतुष्टि हो, पर प्रशासन आपसे इतनी उम्मीद नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, आगे चलकर पढ़ोगे अगर ऑन द ट्रेनिंग छोड़ दोगे, जैसे सपोज करो एक प्रोबेशन पीरियड होता है फिक्स, है ना, उस पीरियड के अंदर छोड़ दोगे तो आपको एक लिस्ट भेजते हैं घर पर कि 10 लाख रुपया हमने तुम पर खर्च किया, कल तक जमा करा देना वरना 7 साल की जेल होगी, है ना। रीजन क्या है, हमने आप पर पैसा खर्च किया, हमने आपको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाया है, हमने आपको उस ट्रेनिंग के माध्यम से उस दक्षताओं तक पहुंचाया है कि कैसे व्यक्ति प्रशासन लाएगा। तुम्हें थोड़ी कुछ आता है, तुम तो सारे काले कोयले थे, हीरे तो हमने बनाए हैं, है ना। अब जब हमने हीरे बनाए, हमारी जरूरत की बात आई, उससे पहले तुम किसी और के गले में जाकर टिक गए, तो चुनौती हुई कि नहीं हुई। ऐसे में बहुत सोच समझकर निर्णय होता है। तो इंटरव्यू का तो उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की दूरदृष्टि को जानना कि टिकाऊ है कि नहीं है, लालची है कि नहीं। क्योंकि देखो, जब कॉपी पे लिखते हो तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हें कहूं कि अपने बारे में 100 शब्द लिखो, गारंटी है 100 के 100 अच्छे ही लिखोगे, है ना। पर क्या जीवन में 22 साल 25 साल में सारे अच्छे ही काम किए हैं, है ना, कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं तुमने, और अच्छा कौन सा तुमने ईफिल टावर बना दिया, है ना, जीवन में किया तो कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी सोच सोच के लिखोगे, क्योंकि लिखने की बात आ रही है। तुम्हें पता है एक लाइन गलत लिख देंगे तो हो सकता है मेरा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा इस आदमी पर, तो क्या कहोगे, हम बचपन से ही समाज कल्याण से जुड़े हुए थे, है ना, बचपन से ही गरीबों की मदद, देखा ना हो चाहिए कभी गरीब, है ना, लेकिन फिर भी लिखोगे, यही होगा, क्योंकि आपके पास समय सीमा होती है, आपके पास स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को लिखने की, और सबसे बड़ी बात है आप कौन सा झूठ लिख रहे हो, इस झूठ को देखने वाला कोई वहां पर नहीं बैठा, यही होता है। पर इंटरव्यू का मतलब क्या है, सोच सोच कर जवाब दे रहे हो तो समझ आ गया। कभी भी सुना होगा 5 आदमियों का पैनल होता है ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, 5 में से 1 कोने में चुपचाप बैठा रहता है ना, वो कभी सवाल नहीं पूछता। कभी अगर आपने इंटरव्यू पढ़े भी हो लोगों के, तो उसमें गौर से देखना कि आपको मिलेगा प्रथम व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, चौथा सदस्य, मतलब व्यक्ति तो नहीं लिखा मिलता है, 5वां सदस्य का नाम कभी भी नहीं मिलेगा आपको। कारण क्या है, वो 5वां क्या करता है, साइकोलॉजी को रीड करता है। उसका उद्देश्य केवल यह होता है कि उसकी आंखें केवल आपकी आंखों पर टिकी होती हैं, वो देखना चाहता है कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, और उसका अनुभव वही होता है, याद रखना। जैसे हम लोग सपोज करो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो देखो हो सकता है आपको बहुत दर्द हो रहा हो ना, आपको बहुत पेन होता है, परंतु डॉक्टर अपनी आंखों से बता देता है कि कोई खास ज्यादा मसला नहीं है ना। और कभी कभी क्या करता है, छोटी सी चीज को देख के डॉक्टर समझ जाता है गंभीर मसला, तो वो अनुभव बोलता है उसका। सेम कहानी वहां पर होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाकर ये देखना कितना सच चल रहा है कितना झूठ चल रहा है ना। क्योंकि झूठ नया नया होता है तो आदमी पकड़ा जाता है नई हरकतों से, है ना, और पकड़ा गया तो तुरंत वो क्या करता है, लिखता जाता है सारी चीजों को अपने पेज पे, अंत में फिर वो नंबर देते हैं। वरना देखो
सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे 50 सवाल पूछे थे, मैंने तो 50 का जवाब दिया था, फिर नंबर 22 क्यों दिए ना? तो 22 देने के पीछे वही कारण है ना। सोच सोच कर बताओगे कि बीटेक करना तो मेरा केवल डिग्री का उद्देश्य था, बाकी शुरुआत से आरएस बनने का सपना था, है ना, तो विश्वास नहीं करेगा। कारण क्या है कि शुरुआत से अगर होता तो तुम 4 साल खराब नहीं करते, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुरंत क्या करते, कोई 3 साल की ग्रेजुएशन करते, क्योंकि 4 साल 3 साल में फर्क होता है ना। पर एक स्ट्रॉन्ग जवाब हो कि ठीक है, शुरुआत में मेरा उद्देश्य बीटेक करना था या जो भी था, बाद में बढ़ती चीजों को देखकर कुछ कल्याण के हित से या जो भी आप कहोगे वो मानेगा। आप अगर ऐसा भी कहोगे ना कि मेरा उद्देश्य है कि मैं अधिक लाभ कमाऊं, अधिक रोब से जीऊं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सच्चाई चाहिए। उसको क्या चाहिए? सच्चाई। पर यहाँ आते आते राजस्थानी लड़का क्या है, थोड़ा टिक जाता है मसला, है ना, क्योंकि यूपीएससी में तभी देखना राजस्थानी लड़के को नंबर बहुत कम मिलते हैं। कारण क्या है? सच्चाई तो हमारे खून में ही नहीं है कभी, है ना। तो हमारी कहानी थोड़ी इधर अलग रहती है, इससे बेहतर है कि यहाँ पहुंचे ही नहीं, है ना। यहाँ तो ये मानकर चले एक बार दिखा कर आना उसको कि हम भी हैं, है ना। बाकी यहाँ तो उम्मीद करो कितना देगा, जब जीरो की उम्मीद करोगे तभी पास होगे, वरना कभी नहीं होगे, याद रखना। हो सकता है तुम अभी बातचीत करो या पुराने इंटरव्यू पढ़ो तो उनको देखकर तुम्हें लगे 60-70 तो मुझे भी दे देगा, अगर इसको 80 दिए तो 60-70 मुझे भी दे। उस गलत फहमी में जियोगे, पता चला 20 ही दे दिया, क्योंकि इंटरव्यू जो नंबर देता है वो 5 लोगों की सोच होती है, न कि कोई आपके आंसरों की। आप थोड़ी कुछ उस पर कोई याचिका लगा दोगे कि भाई इसने 20 नंबर क्यों दिए बता, है ना, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। तो वो तो केवल 5 लोगों की सोच होती है। यहां जो क्या है, यहां आपने क्या लिखा, आपकी क्या स्किल है, वो महत्वपूर्ण है। पर चुनौती देखो क्या है, मैं कह रहा हूं 100% में लगभग 99% ऐसा होगा आरएस में तो, जो आपने कभी ना कभी नोट्स में, कहीं बुकलेट में या कहीं ना कहीं सवाल पढ़ा है, यानी आपको जब उसको लिखने बैठोगे तो ऐसा लगेगा आंसर तो आता है। आंसर तो क्या होता है? आता है। जैसे सपोज करो कल तक अर्थशास्त्र नहीं जानते थे, है ना, अब एक सवाल दूं कि भारत को अगर समावेशी विकास को प्राप्त करना है तो कल्याणकारी योजनाओं की जगह समर्थकारी योजनाओं पर बल देना चाहिए, क्लियर है? लिख पाओगे कि नहीं? समावेशी पढ़ी चुके हो थोड़ा बहुत, कल्याणकारी थोड़ा बहुत जान ही चुके हो, गारंटी लिख दोगे, पर जो मुझे चाहिए उसकी भी गारंटी दे रहा हूं नहीं लिख पाओगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ा तो क्या लगा कि आंसर आता है ना, फिर हम शुरू हो जाते हैं वही बीए वाली स्टाइल की 5 पेज भरने हैं, तो ये तो आसान काम है हमारे लिए। और यहां तो 200 शब्द ही लिखने होते हैं, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, सोचने की जरूरत ही नहीं, जो मन में आया वही लिख देंगे तो ही हो जाएगा। सोचना तो तब पड़ता है जब 3 पेज के आगे हमें कुछ लिखना पड़े ना, 3 पेज तक तो हम अनुभवी हैं। ऐसे में ये जो अनुभव होता है यही नेगेटिव पॉइंट है। क्यों राजस्थान का लड़का पास नहीं होता, मूल कारण क्या है ना? एक भी कॉम ऐसी नहीं है जो 12 महीने पढ़ती हो, है तो बताओ, कोई है तुमसे भी जिसने ग्रेजुएशन किया हो, पूरे बीए के दौरान पढ़ा हो बेचारा, है ना। जब डेट आ जाती है उसके बाद 1 वीक सीरीज मिलती है कहीं पर, है ना, और उस दिन अचानक एक आइंस्टीन पैदा होता है अंदर, और पैदा होकर पूरी रात लगा रहता है, अगले दिन पेपर देकर आ जाता है, ऐसा ही होता है। उन्होंने भी आजकल ठीक कर रखा है, एक पेपर में केवल 1 दिन का गैप दे रखा है ताकि ज्यादा संघर्ष ना मिले उनको भी, क्योंकि पता है ज्योग्राफी पॉलिटी सब आंसर तो सेम ही मिलना है ना। सेम कहानी इधर है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट है, फिर भी देखा होगा 6-6 महीने से सेमेस्टर होते हैं, जब सेमेस्टर की डेट अनाउंस होती है तब तक भी कोई खास तनाव नहीं होता, पर जिस दिन एग्जाम होती है उसे 5 दिन पहले अचानक सारे इंजीनियर बनना शुरू हो जाते हैं, ये होता है। अब ऐसा इंजीनियर, ऐसा बीएससी वाला या बीए होल्डर वाला, उसके अंदर शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, आप कभी भी याद रखना, उसके अंदर शिक्षा का महत्व नहीं होगा, उसके पास शब्दों का संग्रह होगा। संग्रह का अर्थ क्या है, जैसे सपोज करो तुम में से बहुत से लोग हिंदी साहित्य से, मेरी किसी बात को दिल पर मत लेना, केवल समझाने का उद्देश्य है ना, जैसे एक दो लड़का है जो तुम में से आंसर लिखता, अभी आंसर की मिलेगी तो समझ आ जाएगा, मेंस वाली कल परसों में मिल जाएगी, उस आंसर की में तुम देखोगे तो जो हिंदी साहित्य का तुम लोगों में से बैकग्राउंड का है वो क्या करता है, मजबूत शब्द लिखता है। मजबूत का अर्थ क्या है कि जैसे तुम तो सामान्य शब्दों को लिखते हो, कठोर है, ये है, ठीक है, अब वो क्या कहता है, इसमें करुणा का अभाव है ना, तो उन शब्दों से तुम्हें लगता है कि जो चेक कर रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन तक होता था ना, तुम करुणा का भाव लेकर आओ चाहे अरुणा का लेकर आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ उद्देश्य क्या होता है कि साफ शब्दों में क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखना नहीं चाहते हो। यहाँ कोई प्रभावीशील ऐसा नहीं है कि कुछ अंग्रेज जो होते हैं अंग्रेजी के शब्दों का कठोर इस्तेमाल करते हैं तो माहौल बना देंगे कि इन शब्दों का संग्रह हमारे पास में है इसलिए हम ज्यादा ज्ञानी हैं। वो शब्दों का संग्रह है, न कि ज्ञान का संग्रह। ऐसे में जब मेंस का आंसर राइटिंग की बात आती है तो सुना होगा, हर व्यक्ति कहता है कि लिखने की स्किल होती है, कला होती है। 15,000 बच्चों ने प्री पास की है, गधा कितना होगा उनमें से? गधे तो सारे उसी भीड़ से अलग हो गए ना। 5 लाख लोग बैठे थे एग्जाम में, कितने पास हुए?
15,000 है ना, ये ले जा भाई। कितना, 5,00,000 लोग बैठे, 15,000 क्या हुए, पास हुए। 15,000 से पीछे जो रह गया उसी को हम कचरा मानते हैं, वो तो वही फिल्टर हो गया। अब जो 15,000 है उनमें से एक ज्ञान का थोड़ा बहुत फर्क होगा कि 19-20 का, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई बेवकूफ है, ये तो मानते हो। और ये भी मानते हो कि जिन्होंने 15,000 ने पास किए है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने तैयारी नहीं की हो। ऐसा तो नहीं है हंसते हंसते एक आधा अपवाद कोई हो हनुमान जी के भरोसे आ गया हो तो वो एक अलग बात है, बाकी तो सारे लोग तैयारी कर कर ही आए हैं। तो इसका मतलब 15,000 लोग ज्ञानी हैं कि नहीं है। 15,000 लोगों में से कितने चुनने हैं, 1,000 चुनने। तो आपको तो 15 के ऊपर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, यही करना है कि प्रत्येक 15 में मैं एक ऐसा हूं जो इन 14 से ज्यादा प्रभावीशील हूं। 15 को आ रहा है कि नहीं, आंसर सबको आ रहा है, आंसर सबको आ रहा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ खुद को साबित करना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है इसके लिए, और बड़ी सहज सी बात है, आगे चलकर पढ़ोगे बड़ा सरल आंसर जो लिखता है, सुनते हो ना, कहता है सटीक लिखो, सरल लिखो, और इन्हीं का क्या है महत्व है। कभी कभी सुने होंगे कुछ लोग अपने इंटरव्यू में या अपने बताते रहते हैं कि आपको दो दो पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, पैराग्राफ बनाने चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, है ना, और जहां संभव हो अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ये क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन की एग्जाम दी हो, कभी किए हो ऐसा काम, कभी नहीं ना, पर 12th की एग्जाम दी थी तो किया था कि नहीं किया था। कारण क्या है, वहां 20 शब्दों में आंसर लिखना था, है ना, 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में पूरा होता था। अब उसके बाद आदमी के पास कुछ बचता नहीं है तो वो यही काम करता है, यही होता है। कभी ग्रेजुएशन में याद भी आया कि 2 पेन इस्तेमाल करो, है ना, कारण क्या है, वहां उद्देश्य क्या था, 5 पेज तो एवरेज भरना है, है ना, और 3 घंटे में 5 पेज भरते रहोगे तो टाइम बचता ही नहीं अंडरलाइन करने का। सेम कहानी यहां पर है, तुम कितना अंडरलाइन करो, कितना हाईलाइट करो, कितना ही तुम लिखो कि तुम तुरम खा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पूछा है वह सटीक बताया है कि नहीं बताया है, जो जानना चाहता हूं उस भाषा में है या नहीं है, चीजों को समेटने की आदत है या नहीं है, चीजों को सही तरीके से पेश करने की आदत है या नहीं है। उद्देश्य क्या होता है, देखो हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि नहीं है, पर सवाल ये नहीं है कि केवल सीमित ज्ञान का, सवाल ये है कि कितना सटीक तरीके से चीजों का प्रबंधन जानते हो, कितना सटीक चीजों से व्यवहारिकताओं के पक्ष पर बात करना चाहते हो। जितना सटीक प्रबंधन होगा, जितनी व्यवहारिक बातें होंगी, उतना ही आगे चलकर तुम किसी जिले को संभालोगे तो उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वरना गोली दोगे हर बात पर कि ऐसा ऐसा होना था सर, मैंने ऐसा करने का प्रयास किया था परंतु ऐसा हुआ नहीं ना, ये जो हुआ नहीं यही तो चुनौती है, और उस हुआ नहीं के चक्कर में अपने आप को सदैव बचाने की क्या करते हो कोशिश। सेम कहानी आईएएस की है ना, जब बात करते हो तो 250 नंबर का जीएस का पेपर होता है, तो 1,000 नंबर की तो क्या हो गई जीएस हो गई, 500 नंबर का क्या हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, यही होता है, और उसके बाद 250 नंबर का निबंध का पेपर हो गया, ठीक है, तो 1750 की हो गई गणित, है ना, और उसके बाद 275 का क्या हो गया इंटरव्यू हो गया, टोटल 2025 की क्या होती है एग्जाम, यही होता है। और वहाँ 2 पेपर और होते हैं हिंदी इंग्लिश के, पर वो केवल पास करने पड़ते हैं, वो 300 नंबर के होते हैं, एक में 75 नंबर लाना पड़ता है, दूसरे में 90 नंबर लाना पड़ता है, एक का 25%, दूसरे का 30%, क्लियर है, लेकिन वो केवल पास करना होता है ना। जैसे तुम्हारे एक लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा क्या होगा हिंदी होगा, बाकी जैसे कोई गंगानगर बेल्ट का है या जो है तो ये पंजाबी भी अपना सकते हैं, जो भी इनकी भाषा होती है इनको स्वतंत्रता होती है ना। अब जरा देखो कि 1750 प्लस 275 जो हो गया तो 2025 हो गया, 950 वाला तो क्या है टॉपर बन जाता है, सुना होगा ना 1004 नंबर आया आईएएस को टॉप किया ना, 40% वाला पास हो जाता है, यानी यहां भी वही खेल छोड़ दो, इंटरव्यू में तो उम्मीद ही मत करो कुछ देगा। 1750 में से अगर ये लक्ष्य हो कि 950 प्लस लाने हैं तो एग्जाम आसान है कि मुश्किल। एक चीज और देखो, यहां नंबर कम था, बाकी वेटेज तो वही 50% यहां है, यहां नंबर बढ़ गया, वेटेज तो वही 50% है, तो दोनों एग्जाम का स्तर तो क्या है बराबर है, बस सवालों का कुछ फर्क होता है। आज डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें पूछते हैं, क्लियर है। अब जरा देखो, सबसे बड़ा हथियार अगर किसी भी बच्चे के पास होता है तो वो क्या होता है मेंस, इतना तो समझ आया होगा। और एक चीज और याद रखना, परी तक क्या है कि पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रखती है समझ, गौर से सुनना कि जब प्री एग्जाम की बात करते हो तो पढ़ाई से महत्वपूर्ण चीज क्या रखती है समझ। जैसे तुमने देखा होगा जो बैच पहले प्री का गया है ना, लमसम ये मान के चलो 120-130 लोगों ने एग्जाम दिया है, यही दिया है,
पास इनमें से कोई 40 या 50 मुश्किल से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, 120 130 में से। अब अगर सपोज करो 40 50 पास हुए हैं तो उनको भी उन्हीं टीचरों ने पढ़ाया था जो 150 को पढ़ाया, तो यानी इन्होंने तो सबको बराबर पढ़ाया है, तो पढ़ाई में कमी रही है कि बराबर रहा है? या तो सबको ही गलत पढ़ाया होगा, यही होता है, या फिर सबको ही क्या पढ़ाया होगा, सही पढ़ाया होगा। पर फिर भी 120 में से 40 50 क्यों चयनित होते हैं? कारण क्या है कि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या है, समझ। कैसे? जैसे सपोज करो 150 क्वेश्चन आए थे, सेम कहानी जो आज बता रहा हूं यही इनको बताई गई होगी कि 150 में से कैसे भी कर 60 प्लस क्वेश्चन सही कर लेना, उसके आगे रिस्क मत लेना, यही कहा गया था सबको, है ना। पर हुआ क्या कि जैसे पॉलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट आ गई इस बार जो पूर्णतः क्या रही, फैक्चुअल रही। अब व्यक्ति इनमें से अधिकतर घबरा गए, है ना। तो देखो क्या है कि जिसने 80 और 100 के बीच में क्वेश्चन किए हैं वो तो आपको लगेगा कि पास हो गया, आपको देखने को मिलेगा, और जिसने 120 प्लस क्वेश्चन किए हैं गारंटी दे रहा हूं 100% क्या होगा, फेल होगा। कारण क्या है, 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो चयन होना था कि नहीं होना था? 120 में से अगर 65 या 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो चयन तो होना था, परंतु बराबर में 55 गलत भी कर दिए तो चयन हो गया सही पूरा ना, 55 माइनस हो जाएंगे, है ना, तो बचेगा पीछे कोई 35 या 40 क्वेश्चन, उससे तो नहीं होना। एक नंबर भी कम हो गया तो फेल होता है, यही होता है ना। अगर इन्होंने अपनी समझ का इस्तेमाल किया होता कि चलो पॉलिटी हार्ड थी तो कोई जरूरी तो नहीं है कि कसम खाकर आए मम्मी की कि पॉलिटी में ही सारे सही करने हैं, ना उसके अलावा और भी ऑप्शन थे, जब बाकी ज्योग्राफी मैथ्स रीजनिंग की बात करोगे तो बहुत आसान थी ना, और इस लेवल की थी कि सामान्य तौर पर जिसने अच्छी तैयारी की वो आराम से कर सकता था। आप चाहते तो अपने 60 क्वेश्चनों का वेटेज कहां कवर कर सकते थे उस जगह पर, जो इधर अटका है ना, और वो पॉलिटी के तुक्के जिसने लगाए वो 120 तक पहुंच गया, 120 तक पहुंचा तो फेल होने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। उसके तो पूरे एक साल की तैयारी बर्बाद हुई कि नहीं हुई, मानते हो इस बात को ना? आप जरा देखो, जब बात मेंस की आती है तो यहां पढ़ाई, यहां समझ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पढ़ाई। क्लियर है कि आप समझ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर समझ का तो कुछ मसला ही नहीं है, यहां तो आपको क्या आता है उसका मसला है। और वो क्या आता है, वो तब होगा जब आपको बहुत सी चीजें जो आपने ज्ञान के तौर पर विकसित की है उनको समेटने की एक आदत हो जाए। जैसे अभी धीरे धीरे तुम विकसित हो रहे हो तो ये चीज आज थोड़ी कम समझ आएगी, लेकिन जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो अंत में देखना एक चीज समझ आएगी कि पहले पेपर में जो पढ़ा था वही दूसरे पेपर में है, जो दूसरे में पढ़ रहा हूं वही कहां पर है, तीसरे में है, और जो तीसरे में पढ़ रहा हूं वही कहां पर है, चौथे में है। या जैसे अभी तक 5-7 सब्जेक्ट, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, IR हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा आपका गवर्नेंस का पोर्शन हो गया, ठीक है, इस पोर्शन की जब, और एक जैसे सोशल इश्यू जस्टिस हो गया। इस पोर्शन की बात करोगे तो देखो क्या है, तुम्हारा फायदा क्या है कि तुम बहुत सटीक लेवल पर आए थे। डिफेंस पढ़ा तो क्या समझ आया, IR समझ आया कि नहीं आया, है ना, कुछ चीजें आपका आधार बन गया था यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा डिफेंस का सिलेबस ही IR में था, परंतु डिफेंस बहुत आसान सब्जेक्ट लगी, पहले नाम सुना होगा तो साइंस के नाम से ही घबरा रहे थे, पर जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो IR समझ आई। जब IR पर आए तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी तो समझ आई कि नहीं आई, वो भी आई, या इंटरनल सिक्योरिटी पहले पढ़ी तो IR समझ आई, दोनों बराबर खेल है। अब तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो बहुत सी चीजें अभी धीरे धीरे तो शुरू हुए, पर फिर भी लग रहा होगा 40% ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट होती आ रही हैं। सेम कहानी यहां होती है, आप अंत में क्या हो कि एक ज्ञान का केंद्र बन जाते हो, यानी एक गूगल बन जाते हो कि आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मेंस की तैयारी ऐसी होती है कि तुम नोटबुक निकाल लोगे, नोट्स को याद करना शुरू कर दोगे? कभी नहीं। आप कोई ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नोट्स को पढ़कर चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हो, बाकी काम तो वही आएगा जो 12 महीने तुमने पढ़ा, आखिरी महीने पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। 12 महीने के दौरान जो चीजें तुमने पढ़ी हैं उन चीजों की समझ के आधार पर ही तुम्हें आंसर लिखना है, जैसा पूछ रहा है उसी के आधार पर सब कुछ पूछेगा कि अलग अलग पूछेगा? सब कुछ तो नहीं पूछ सकता जो तुमने पढ़ा है। अब क्या करता है कि जैसे सपोज करो मैंने कहा कि सब्जेक्ट लमसम रिलेटेड है, लमसम क्या है, रिलेटेड है। जैसे गौर से सुनना कि GS पेपर 3rd में ही तो टेक्नोलॉजी है, यही है, GS पेपर 3rd में ही इकोनॉमिक्स है, और GS पेपर 2 में क्या है, पॉलिटी है, 2 में क्या है, पॉलिटी है, 2 में क्या थी, IR थी। एक क्वेश्चन दे दिया कि भारत में
तकनीकी विकास से राष्ट्र में हम समावेशी विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। गौर से सुनना, भारत में तकनीकी विकास से हम लोग क्या कर सकते हैं, समावेशी विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जीएस पेपर 2 में पूछा है तो क्या आंसर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स का होगा? संभव नहीं, आंसर आईआर का होगा या फिर किसका होगा, पॉलिटी का होगा। क्लियर है? कारण क्या है कि जब पूछा वहां के लेवल पर है तो उसका जवाब अलग होगा, और यही आंसर जब जीएस पेपर 3 में पूछा होता तो आंसर क्या होता, अलग होता। क्लियर है? और चुनौती अभी तो देखो जानते ही नहीं हो, अभी तो यही तो गंदी आदत है, चीजों को सुधारने की जरूरत है कि अभी तो केवल इतना ही नहीं समझ पा रहे हो कि कौन से पेपर में कौन सा सवाल पूछा जाएगा। आगे चलकर तो यह भी देखना पड़ेगा कि एक ही जगह दो चीजें लिखी रहेंगी कि भारत समावेशी विकास कर रहा है टिप्पणी कीजिए, भारत समावेशी विकास कर रहा है स्पष्ट कीजिए। आंसर एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग तो होना ही है क्योंकि सवाल ही दो पूछे हैं, पर तुम्हारा आंसर सदैव एक ही होगा, है ना। जीएस पेपर 3 में दोनों पूछ लिए हैं, और शकुर मनाओ कि सपोज करो कि 11वां क्वेश्चन है कि भारत में समावेशी विकास को स्पष्ट कीजिए, और 12वां क्वेश्चन है भारत में समावेशी विकास पर टिप्पणी कीजिए, ना तो आप चुनौती और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 11वें में पढ़कर आए हो सेम वैसा का वैसा किसमें लिखोगे, 12वें में। पर बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत क्या लगेगा, मुश्किल। और आज चीजों को सुनो, जानने की कोशिश करो, और अंत में कुछ सवाल करते हैं जो तुमने अभी तक पढ़े हैं, अपने आप चीजें समझ आएंगी कितना आसान होता है कितना नहीं। एक आधा ऐसा होगा जो नया आया है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो मेरे बगल में बैठे इनमें ज्ञान ज्यादा है, कल तक ये भी गधे थे तुम्हारी तरह, आज ही विकसित हुए हैं। जब बात आंसर राइटिंग की करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है, स्किल। और स्किल तब आती है किसी भी चीज की जब हमारे अंदर क्या हो, समझ हो। भाई सपोज करो मैं अच्छा टीचर कब बन सकता हूं, कि पहले टीचर होना जरूरी है कि अच्छा टीचर होना जरूरी है? टीचर होना जरूरी है। अब मेरी तुलना तुमसे करूं तो चुनौती है, मेरी तुलना दूसरे टीचरों के बराबर करूं तो क्या होगा, बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि पहले आदमी शिक्षक बनेगा, उसी के बाद तो उसके अंदर क्या आएगी, दक्षता आएगी। तो सेम कहानी यहां पर है कि आंसर लिखने की स्किल तो तब आएगी जब आंसर लिखने की हमारे अंदर क्या हो, समझ हो, कि कैसे लिखते हैं, क्या प्रोपगेंडा होता है, क्या ऐसे ही पेज भरते हैं, या कोई तरीका होता होगा लिखने का, है ना, क्या पूछना चाहता है, किस पर टिप्पणी करनी है, किस लेवल का सवाल होगा, क्या क्या चीजें रखनी पड़ती हैं। और जब समझ होगी तभी चीजों को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ऐसे में जो सवाल होते हैं, याद रखना, सदैव दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक जो होता है उसको तो हम लोग कहते हैं तथ्यात्मक, फैक्चुअल। क्या कहते हैं? तथ्यात्मक, फैक्चुअल। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्सेप्चुअल। क्लियर है? एक तथ्यात्मक होता है, दूसरा क्या होता है, विचारात्मक होता है। कौन सा होता है? विचारात्मक। शब्द से ही पता चल रहा होगा, तुम खुद ही देखो, एक सवाल ऐसा जिसमें तथ्य देने पड़ते हो, एक सवाल ऐसा जिसमें क्या देने होते हो, विचार। आसान तो कौन सा होना चाहिए? विचार वाला, याद रखना सदैव। पर तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, इसका मतलब तुम चुनौती में हो, है ना। तुम्हें आसान सदैव कौन सा लगेगा? नक्सलवाद क्या है, ठीक है, या नक्सलवाद की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए, यह कौन सा सवाल है? तथ्यात्मक है, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, नक्सलवाद से राष्ट्र के विकास में प्रमुख बाधा है, अपने विचार रखिए, कौन सा बुरा लग रहा है? आखिरी वाला ये लग रहा है ना, ठीक है। पर सही पूछे तो जो मुश्किल है वो कौन सा है? तथ्यात्मक। अब क्यों लग रहा है जरा देखो, अभी तो केवल नक्सलवाद पड़ा है ना, इसलिए तुम जानते हो कि शुरू हो जाओगे नक्सलवाड़ी गांव से लेकर 2018 तक, है ना, और गुरुजी ने रटाई रखा है, चिपका देंगे कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी बात है 10 चैप्टर पढ़े थे, 10 चैप्टरों को 15 दिन में पढ़ा था, 200 शब्दों में मिश्रण लिखना है, बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है। पर आगे चलकर पढ़ोगे उनमें तथ्यों का अभाव होगा। किसका भाव होगा? तथ्यों का। तुम्हें तो महसूस हो रहा है कि तुम्हें आएगा, तुम क्या शुरू करोगे, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ, उसके आगे ना तो ये लिखोगे कब शुरू हुआ, किसने संस्थापक किया इसका, उसके बाद चरण कौन सा चला, कितने इसमें वर्तमान में सैनिक हैं, कितने जिलों तक सीमित है, कितने थानों तक सीमित है। अरे पूछा तो क्या था? तथ्य। ये थोड़ी पूछा था नक्सलवाद पर अपनी एक स्मरण स्थिति बताओ, क्या आपने कोई फिल्म देखी होगी, इसकी स्टोरी सुना दो, है ना। पर तुम जब इसको लिखने बैठोगे तो तुम्हें अंदर महसूस होगा कि सबसे आसान सवाल कौन सा है, यही वाला, और सबसे मुश्किल कौन सा, क्योंकि विचार पूछ रहा है। ये हमारे पास होते तो फिर आज हम यहां नहीं होते, है ना। तो ये जो
कहानी है। सबसे आसान तो ये वाली होती है क्योंकि यहां आपको स्वतंत्रता है भाई। आप खुद सोचो, मैं एक लाइन थोड़ी ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको केवल यही बताना है। मैं तो क्या कह रहा हूं कि नक्सलवाद राष्ट्र के विकास में चुनौती है, 200 शब्दों में स्पष्ट करना है। अर्थशास्त्र 40 दिन पढ़ा होगा, विकास पढ़ा होगा, चुनौतियां पड़ी होंगी पिछले 1.5 महीने 2 महीने से, उनके बीच में से 200 शब्द निकालने, और सीमा अपार है कि जहां मर्जी हो जो मर्जी हो लिखो, परंतु इतना लिखना कि सुरक्षा में चुनौती कौन आ रहा है, सॉरी विकास में चुनौती कौन आ रहा है, नक्सलवाद, ये लिखना है 200 शब्दों में। ज्यादा स्वतंत्रता कहां पर है, यहां पर। यहां जब कॉपी कोई चेक कर रहा होगा और कोई कॉपी यहां चेक कर रहा होगा, दोनों का चेक करने का नजरिया समान होगा कि अलग अलग होगा? यहां जब चेक करेगा तो एक लिस्ट होगी कि इस क्वेश्चन में देख लेना ये आंकड़े हैं या नहीं है, ठीक है? वो आंकड़े मिलेंगे तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। और यहां क्या होगा, कोई लिस्ट नहीं होगी उसको चेक करने वाले के पास में, उसको यही कहा जाएगा देख लेना सटीक लिखा या नहीं लिखा है। बात हम विकास में बाधा कर रहे हैं नक्सलवाद की, तो कहीं ऐसा तो नहीं लिख रहा कि नक्सलवाद का जन्म कब हुआ, नक्सलवाद कितने लेवल पर बढ़ा, नक्सलवाद क्या है, या कहीं ऐसा तो नहीं लिख रहा कि विकास दो प्रकार का होता है, एक प्यार से आता है दूसरा दुश्मनी से आता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहा। वहां जानना केवल क्या है, विकास में बाधा यही है। अगर आपने इतनी स्वतंत्रता के साथ लिखा है तो नंबर देने को बाध्य है व्यक्ति, क्योंकि यहां ऐसा नहीं है कि अपने विचारों के अनुसार चेक कर सके। ज्यादा सही तो कौन सा होता है, यही वाला। यूपीएससी का 100% सवाल कहां से होता है, विचारात्मक से, क्लियर है? कभी भी देखोगे, तभी तो कहते ना सवाल समझना चुनौती है। अगर एक बार पकड़ लिया यूपीएससी का ट्रेंड कि पूछ क्या रहा है, गारंटी दे रहा हूं 100% मेंस पास होगी। पर यूपीएससी में तो संकट है कि वो जानते हैं कि सारे पढ़े लिखे हैं, सारे तैयारी के साथ आए हैं, सवाल जब सब पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्चुअल हैं तो सब अपना अपना विचार रखेंगे। चुनने तो 1000 लड़के हैं और चुनौती ये हो जाएगी कि 5 लाख में से लाख चुन लिए, क्योंकि सबके विचार, विचारों का भाव नहीं है, याद रखना। तुम तो सीमित जगह बैठे हो, सीमित सोच के साथ बैठे हो, इसलिए लगता है कि हमसे बड़ा कोई रायचंद इस दुनिया में नहीं है। बाकी राय देने वालों की कमी नहीं, 125 करोड़ है ना, 125 करोड़ में जिससे मांगो सब देने को तैयार है, याद रखना। ऐसे में विचारात्मक चुनौती ज्यादा होती है चेक करना, इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा काम इस भीड़ को छांटने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, क्वेश्चन इस लेवल का देते हैं कि लड़का पहले तो समझ ही ना पाए कि पूछ क्या रहा है ना, और जब समझ गया तो आंसर लिख देगा, नहीं समझ पाया तो इधर उधर की बातें लिखेगा, तो फेल करना आसान है कि मुश्किल। पर यहां तुम्हारे लिए आसान होगा सदैव, पर यह तब होगा जब चीजों को समझा हो, रटा नहीं हो। और यहां क्या होता है, जब हम चीजों को रटते हैं तो ये चीजें बेहद क्या लगती हैं, आसान लगती हैं। सुना होगा ना कि जो टॉपर बना है 22% 40% वाला ना, जिसके 700-800 नंबर आए हैं, वो आईएएस बना है, वो अपने बीटेक के दौरान आईआईटी का टॉपर था। बीटेक के दौरान किसका टॉपर था, आईआईटी का। तो जाहिर सी बात है ज्ञान कम था कि ज्यादा था, टॉपर का मतलब तो जानते होंगे, कोई 90% 99%। चुनौती नहीं है कि 99 वाले के भी 40 आ रहे हैं ना, 60 वाला जो आर्ट्स में जैसे तैसे ग्रेस से पास हुआ था वो भी 60 के साथ आईएएस पास कर रहा है। और आज ही घर जाकर आंकड़े देखना, राजस्थान के कार्मिक विभाग में 40% आईपीएस तो वो है जो सेकंड डिवीजन से बैठे हैं। किससे बैठे हैं, सेकंड, यानी पढ़ाई के दौरान सेकंड डिवीजन है उनको, और आज वो आईपीएस है ना। पर रीजन क्या है, उस डिग्री का और इस ज्ञान का महत्व का क्या हो जाता है फर्क। जब बात आरएस की करोगे तो 90% आरएस कहां से होती है, तथ्यात्मक, क्लियर है, इनका सटीक काम होता है। पर आप जरा देखो, यही वो कारण होता है तुम्हें आरएस आसान लगती है किसकी तुलना में, ऐसे ही लगता है ना कि आरएस तो कर ही लेंगे, है ना। तो कर ही लेंगे का अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हुआ, कारण क्या है, डायरेक्ट पूछता है नक्सलवाद क्या है, आतंकवाद कितने प्रकार का होता है, कैसे सुरक्षा के मापदंड होते हैं, आंतरिक सुरक्षा कौन सा विभाग संभालता है, उस पर अपने विचार रखिए, उस पर तो तुम कितने रखवा लो चाहिए क्योंकि हमने रट रखे हैं ना। और चुनौती क्या होती है कि सटीक, धीरे धीरे देखो अब फेल होने वालों की संख्या बढ़ रही है, नया लड़का आरएस में ज्यादा निकल रहा है और जो पुराने टीचर वीचर हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, अब कम हो रही है। कारण क्या है कि पहले तो सब क्वेश्चन तो फैक्चुअल पूछा था, पर सब लोग क्या करते थे, अपना स्मरण लिखते थे कि भाई जो जो आज तक किताब से सीख रहे हैं वो को वह लिख दिया। जब वो लिख दिया तब क्या होता था, मेरे सामने चुनौती है भाई, तुम कुछ सोचो, तुम्हारी भीड़ में से ही 10 जने मुझे चुनने हैं। अब तुम मैंने एक ने भी तथ्यात्मक आंसर नहीं लिखा, परंतु सब ने टिप्पणी जरूर कर दी कि नक्सलवाद क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। अब उन्हीं में से तो चुनने होंगे, मेरी मजबूरी होगी, मैं कैसे ही चुनूं, लेकिन आंसर तो सटीक सबका नहीं था सही। लेकिन जो नया लड़का है वो नई चीजों के साथ विकसित होगा, नई चीजों का ज्ञान के साथ विकसित होगा, नई समझ होगी, नए विचार होंगे, तो जाहिर सी बात है वो निकलना आसानी से शुरू हो जाएगा। तो यही वो कारण है, देखो प्री में संख्या मिलेगी टीचरों की या गवर्नमेंट जॉब वालों की ज्यादा,
और मेंस में सदैव कभी टॉपर नहीं सुना होगा कि कोई टीचर का कोई टॉपर बनाओ, एक आधा अपवाद मिल जाए तो अलग बात है, बाकी टॉपर तो वही लड़का बनता है जो नया हो। ऐसा ही आप यूपीएससी में देखना कि पहली 5 रैंक पर आपको वही मिलेगा जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन की हो, जिसने हाल ही में तैयारी की हो। 5 के बाद 100 तक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट दिया हो, परंतु पहले 5 तो वही मिलेंगे जिनका या तो पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था, यही मिलेंगे। कारण क्या है कि पास तो वह करेंगे जिनके पास अनुभव है, पर टॉप वही करेंगे जिनके पास अनुभव के साथ विचारों का संग्रह क्या हो, बहुत ज्यादा। दोनों में बहुत फर्क होता है। तथ्यात्मक अलग चीज होती है, कॉन्सेप्चुअल क्या होता है अलग, पर दो तरीके के सवाल होते हैं चीजों को ध्यान से रखना। आरएस पूरी कहां टिकी है? तथ्यात्मक पर। और जो आईएस वो कहां टिकी हुई है? पूरी कॉन्सेप्चुअल पर। अब जरा देखो, जब भी बात आती है तथ्यात्मक क्वेश्चन की, फैक्चुअल की, तो फैक्चुअल में या तो ऐसा लिखा मिलेगा कारण बताइए, क्लियर है? क्या लिखा मिलेगा? कारण। जब भी ऐसा लिखा रहे कि सपोज करो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है। विचार तो तब होते ना तुम लिख देते कि 1857 की क्रांति के कारण हम लोग रहे हैं ना, मेरी इच्छा नहीं थी कि उस समय क्रांति हो इसलिए हमने क्रांति नहीं करने, उसको विचार कहते हैं। ऐसा कुछ लिखोगे नंबर थोड़ी देगा, है ना। जो एग्जैक्ट कारण है वो कि वो बताने पड़ेंगे, तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन हो गया, तथ्यात्मक। कारण क्या है? परिणाम बताइए ना। 1857 की क्रांति लड़ी गई हो तो कुछ परिणाम भी आया होगा। परिणाम यह है कि हम जीते कि हारे, हम हारे, यही हुआ। तो अब तुम ये थोड़ी लिख दोगे कि हम जीत तो गए थे परंतु हमने जीत उनको स्थानांतरण कर दी ना, क्योंकि जो एग्जेक्ट है वो का वो लिखना पड़ेगा। विचार होता तो स्वतंत्रता होती कि मैं होता तो ऐसा ऐसा करता और ऐसे ऐसे जीता देता, भारत को जरूरत ही नहीं थी 1947 तक आने की, है ना। पर बात यहां केवल किसकी है, तथ्यात्मक की। यहां कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। परिणाम से भी बड़ी कहानी क्या होती है, लिख देगा प्रभाव बताइए, है ना। प्रभाव का अर्थ क्या, 1857 की कोई क्रांति हुई होगी, उसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभाव क्या पड़ा। तो हो सकता है कि हम लोग ये सोचे कि अंग्रेजों ने दंड दिया, तो ये भी तो है, इस राष्ट्र में जनचेतना विकसित हुई, इस राष्ट्र में लोगों में लड़ने की इच्छा विकसित हुई, इस राष्ट्र में लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। ये भी कहां से सीखा, 1857 से ही। और जरा एक एक पे आऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लग तो रहा है कि सर आसान सी चीजें, ये तो हमें पहले ही पता थी, परंतु चीजों को समझना बहुत प्रभाव होता है कैसे आंसर लिखते हैं। प्रभाव बताइए और एक अंत में होता है प्रकाश डालिए, ठीक है, या विचार करिए जिसको हम लोग कहते हैं। प्रकाश डालिए का अर्थ क्या है, जरा सपोज करो कि ये बंद कमरा है ना, इस कमरे में पूरा अंधेरा है। अब मैं तुम्हें इस कमरे के अंदर भेज दूं और कहूं बता इस क्लास में क्या क्या चल रहा है, बता पाओगे कि नहीं? नहीं बता पाओगे। सपोज करो इस क्लास के किसी एक कोने में मैं लाइट ऑन कर दूं, अब मैं पूछूं बता क्या है, तो बता पाओगे ना। तो प्रकाश डालने का मतलब है उस चीज के बारे में सटीक बताना। तो तुम्हें इस बंद कमरे में एक कोने में जहां लाइट चल रही है वहां कुछ पूछ रहा हूं तो तुम बताओगे गुरुजी 4 लड़के कोने में बैठे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक नहीं लगते हैं मेरे को, इनका इरादा लगता नहीं है कि पढ़ने का हो, कोई सा कोने वाला ही मान लो चाहिए, है ना ना। तो ये क्या हो गया, प्रकाश डालना। क्या हो गया, प्रकाश डालना। क्लियर है, एग्जैक्ट चीजों को क्रमबद्ध तरीके से बताना। इस बंद क्लासरूम में अचानक लाइट ऑन कर देता हूं, लड़के को बताता हूं कि बंद क्लासरूम, अब बता इस क्लास में क्या है, क्योंकि मैंने प्रकाश डाल दिया है। तो वो बताना शुरू करे, इतने बच्चे बैठे हैं, लड़का लड़की दोनों साथ बैठे, इसका मतलब क्लास में सम्मानता है, आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते हो, चेहरे से नहीं लगता है कि कोई इनमें से बन पाएगा या बन जाएंगे, जो भी है ना, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश डालना। ये पूरी चीजें क्या होती हैं, फैक्चुअल होती हैं। क्या होती हैं, फैक्चुअल। आरएस में आपको देखना 90% सवाल ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। कभी घर जाकर आज सर्च करना चीजों को, देखना कारण बताओ, परिणाम बताओ, प्रभाव बताओ, प्रकाश डालो, क्या है क्या नहीं है। जैसे लिखा रहे कि नक्सलवाद से क्या समझते हैं, वो भी प्रकाश डालने में ही आता है, ठीक है, कि क्या समझते हैं। क्लियर है यहां तक? अब जरा देखो, जब बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की आती है, किसकी आती है, कॉन्सेप्चुअल की, तो जो विचारात्मक सवाल होता है उसमें दो तरीके के सवाल होते हैं। एक तो क्या करता है, स्वयं का विचार पूछ लेता है, ठीक है, और एक क्या पूछता है, सामूहिक विचार। एक तो क्या पूछता है, स्वयं का विचार, और जो दूसरी चीज पूछता है वो कौन सा है, सामूहिक विचार। क्लियर है? जब बात स्वयं के विचार की आती है तो दो तरीके के शब्द होते हैं, टिप्पणी कीजिए,
व्याख्या कीजिए, क्लियर है, या तो टिप्पणी कीजिए या फिर क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। टिप्पणी का मतलब अंग्रेजी में सुना होगा कमेंट होता है, तो नहीं तुम कोई चीज यूट्यूब पे देखते हो या तो उसके नीचे लिखा रहता है कमेंट, यानी आपको अपना विचार लिखना है कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, यही होता है। या हम कभी फिल्म देख के आते हैं तो पूछता है कि फिल्म पर एक टिप्पणी करो, तो अर्थ क्या है कि तुम्हें सही लगी कि नहीं लगी ये बताओ, ये थोड़ी पूछता है कि क्या कहानी। अब जैसे जरा गौर से सुनना, मैं ये कहूं कि तुम फिल्म देख के आयो, तुमने कहा देख कर आयो, मैंने कहा पूरी फिल्म का विवरण दो, तो विवरण देने का मतलब प्रकाश डालो, तो फिर क्या कहोगे, फिल्म ठीक ठाक नहीं थी, तो ये थोड़ी चलेगा। ये बताओ कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई, यानी वो स्टोरी क्या थी, वो निष्कर्ष बताना है। और टिप्पणी देने का अर्थ क्या हो गया कि ये बता फिल्म कैसी थी, तो तुम क्या कहोगे, बेवकूफ बना रहा था या बहुत अच्छी थी या जो भी था, शब्द तुम्हारे अपने आप स्वतंत्रता होगी। तो जब बात स्वयं की आती है तो एक तो शब्द लिखा लिखा मिलेगा टिप्पणी करो, और दूसरा हमेशा लिखा मिलेगा व्याख्या करो, क्लियर है। अगली चीज देखो, जब बात सामूहिक विचार की आती है तब आपको लिखा मिलेगा डिस्कस, चर्चा करो। सामूहिक विचार का मतलब क्या है कि मेरी अंदरूनी सोच क्या कहती है वो महत्व नहीं है, तुम सब की सोच क्या कहती है, इस राष्ट्र की सोच क्या कहती है, वो क्या है, महत्वपूर्ण है। और जिस स्तर का सवाल होगा उसी अनुसार सोच क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। भाई खुद सोचो, मैं आपको ये पूछूं कि इस क्लासरूम में पढ़ने की व्यवस्था कैसी है, चर्चा करो, तो तुम दुनिया से तुलना करोगे कि क्लास की तुलना करोगे, क्लास की तुलना, क्योंकि इस क्लासरूम का पूछ रहा हूं। मैं ये पूछूं कि पूरे सीकर में इस कोचिंग की व्यवस्था किस तरीके से, तब तुलना किससे करोगे, सीकर की कोचिंगों से। मैं ये कहूं कि संपूर्ण भारत में इस कोचिंग की व्यवस्था कैसी है, तब किससे तुलना करोगे, संपूर्ण भारत से। तो चर्चा का मुद्दा भी कोई मुद्दा होगा। और सामूहिक क्यों होता है, तुम खुद ही सोचो। मैं ये कहूं कि कल नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है या नहीं है, इस पर मैं कल चर्चा करूंगा, ठीक है, तो कल सब 10 बजे सारे लोग आ जाना। तो तुमने पूछा गुरुजी किसके साथ करोगे, कहा मैं अकेला ही करूंगा, तो क्या लगेगा गुरुजी की प्लेट खिसक गई है ना, अकेला कैसे चर्चा करेगा, संभव है, ठीक है। कभी कभी तुम जरूर करते हो बंद कमरों में कांच के सामने खड़े होकर, है ना, अंदर से फीलिंग देने की कोशिश करते हो कि आईएएस पर आवाज चपड़ासी की निकलती है ना, तो वो चुनौती हो जाती है। हम कब करते हैं ऐसा, जब आदमी निराश हो जाता है, कोई बात करने वाला नहीं मिलता है ना, तो देखो हम संवाद करते हैं ना कांच के साथ ही ना, वो कांच नहीं होता, वो खुद नजर आता उसमें आदमी की खुद कैसा है ना। सेम कहानी यहां है, जब बात डिस्कस की आती है तो कोई दो लोग होने चाहिए, तीन लोग होने चाहिए, जो किसी मुद्दे पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर है। और एक सबसे बड़ा सवाल होता है, मूल्यांकन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे एक सवाल तो शायद कल परसों करवाया भी था इसका, सीएसआर को लेकर, है ना, याद हो तो करवाया था ना सीएसआर को लेकर, कि लोग पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, तो दोनों विचार लिखे थे, उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि जो चीज चली है, जैसे सपोज करो अब मैं मोदी का भक्त हूं, है ना, और दिन रात उसी के पक्ष में बातें करता हूं, पर फिर भी अगर मुझसे यह पूछा गया है कि बताओ स्वच्छ भारत योजना का मूल्यांकन कीजिए, तो इसका अर्थ क्या है कि उसके सकारात्मक पहलू, उसके नकारात्मक पहलू दोनों सटीक बताने होंगे, और मेरी सोच के अनुसार नहीं, जैसा इस दुनिया में हो रहा है उसके अनुसार, क्लियर है। मैं आपको यह कहूं कि मोदी बेहतर नेता है, ठीक है, तो अगर यह चीज मुझे कही गई होती कि मोदी बेहतर नेता है, टिप्पणी करो, तो आजाद हूं, जितनी मर्जी होगी उतना बताऊंगा, जैसी मेरी सोच होगी वैसा बताऊंगा। पर मैं ये कहूं कि मोदी वैश्विक स्तर पर अपनी मान्यताओं को प्राप्त करवा रहा है, मूल्यांकन कीजिए, उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो अर्थ क्या है, मेरी खुद की सोच क्या कहती है, बीजेपी की सोच क्या कहती है, या कांग्रेस के राहुल गांधी की सोच क्या कहती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि पूरी दुनिया में क्या सोच बनी हुई उस आदमी को लेकर, उस पूरी कहानी का क्या करना है, मूल्यांकन। कहानी बतानी है कि कहानी का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन बहुत जरूरी है, याद रखना। अब जरा देखो, इतने तरीके के सवाल होते हैं, पर तुम्हारे आंसर सब में ही क्या लगते हैं, सेम लगते हैं। तो सेम होने चाहिए कि अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जिस दिन इस चुनौती से बाहर आ गए, 50% मेंस पास हो गई, कितना प्रतिशत, अभी तक जब मेंस के टेस्ट की बात करते हो तो तुम्हें समय सीमा चाहिए होती है, पहले चाहिए कि नहीं, कि गुरुजी आपने बताया नहीं, अब अचानक टेस्ट ले लूं, तुम हंगामा कर दो कि नहीं। परी का टेस्ट ले लूं, समझ आता है कि गलत होता है, क्यों, क्योंकि तुम बिना पढ़कर आए हो, चीजों को जानकर, तथ्यात्मक चीजों को समझकर नहीं आए हो।
मेंस का मतलब तो समझ रहे होंगे कि जो पढ़ रहे हो उस पर अपनी चीजों को लिखना है, उसकी कौन सी तैयारी चाहिए होती है ना। पर तुम तैयारी कैसे करते हो, जैसे मैंने कहा कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट लूंगा, घर जाओगे पहले दिन से लेकर आज तक जो जो नोट्स लिखे सबको पढ़ोगे ना, कुछ महान क्या करेंगे उनको रटने की कोशिश करेंगे, और अगले दिन पेपर देखोगे तो कुछ टिप्पणी करेंगे गुरुजी पर आकर कि पेपर तो नोट्स से बाहर था ना। तो रीजन क्या है कि तुम नोट्स पढ़ कर आए हो, वो नोट्स समझने के लिए थे, अगर आपने उनको समझा होता तो चीजों को लिख पाते। अब देखो मेंस का जो आंसर हो, आप भी देखो प्री में तो आपने जैसे तैसे कुछ ने जुगाड़ भी कर लिया होगा, एनसीईआरटी का टेस्ट पुराने से पकड़ लिया होगा तब जाकर नंबर भी मिल गए होंगे, पर मेंस में आप पुराने से भी पेपर उठा लो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कारण क्या है, वहां आंसर अलग होगा, यहां आंसर क्या होगा अलग होगा, सब कुछ करंट पर बेस होता है, सब कुछ न्यूज़पेपर पर बेस होता है, परंतु चीजें क्या होती हैं इनके आधार पर होती है। यहां तक कोई आपत्ति हो तो पूछो, क्लियर है, समझ आया ये वाला। अब जरा देखो एक एक चीज को समझना कि जब बात करो टिप्पणी करो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं चीजों को समझना। मैं ये कहूं कि सपोज करो नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, टिप्पणी करो और इसी के अंत में लिख देता हूं व्याख्या करो, आंसर अलग अलग होगा। आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। गौर से देखो क्या होगा कि अगर आप सहमत हो कि नरेंद्र मोदी महान नेता है, बात को समझना, अगर आप सहमत हो कि नरेंद्र मोदी महान नेता है तब आपको क्या करना होगा, इसकी महानता के पक्ष में अपने विचार रखने होंगे। अपने रखने हैं कि लोगों के रखने हैं, अपने स्वयं के, क्योंकि देखो ये स्वयं वाले होते हैं टिप्पणी और व्याख्या वाला, तो आपकी खुद की सोच क्या कहती है मोदी के बारे में वो आपको स्वतंत्रता है। आप अगर ये कहते हो कि अच्छा नेता है तो अच्छे के पक्ष में लिखो, आप कहते हो बुरा नेता है तो बुरे के पक्ष में लिखो, आपका मन कहता है कि नहीं कभी कभी अच्छा होता है कभी कभी बुरा होता है तो उसके पक्ष में लिखो, आपका कोई नंबर काटने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे खुद पूछा है कि टिप्पणी करो। क्रिकेट का मैच तो देखते होंगे, तो जब क्रिकेट का मैच देखा होगा तो देखा होगा दो कमेंटेटर होते हैं, तीन होते हैं, तीनों की एक जैसी कमेंट्री होती है कि अलग अलग होती है, अलग अलग, एक तो कह रहा है बहुत सही खेला है, दूसरा कह रहा है तुझे नहीं पता सही नहीं खेला, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, है ना। तो एक ही चीज पर दो विचार क्यों, क्योंकि आपको आजादी है क्या करने की, टिप्पणी करने की, कमेंट्री करने की क्या है, आजादी है, जैसा आपको लगे आपकी व्यक्तिगत सोच है, यहां पर कोई बाध्यता नहीं है, आप पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो। तो जब भी कहीं शब्द मिले टिप्पणी करो तो मानकर चलना विचार लिखने की क्या होती है, स्वतंत्रता। क्लियर है, पक्ष विपक्ष दोनों में बात आ गई समझ में। जब बात लिखा रहे व्याख्या करो तो याद रखना कथन से सहमति होना बाध्यकारी है, कथन से सहमति होना क्या है, बाध्यकारी है। अमित सर अच्छे टीचर हैं, टिप्पणी करो साड़ी भड़ास निकालो कोई आपत्ति नहीं है ना, जितनी निकालनी हो, परंतु जब ये लिखा रहे कि अमित सर अच्छे टीचर हैं व्याख्या करो तो कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास में, यही मानना पड़ेगा कि क्या है, अच्छा टीचर है, अब उसके पक्ष में आंसर लिखो तब जाकर ये बाध्यता होती है। तो कभी गौर से पढ़ना, पेपर में लिखा रहेगा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हें योजना कितनी बेहतर क्यों ना लगती हो, तुम्हें तो इस योजना की क्या करनी है, आलोचना करनी है, यानी उसके नकारात्मक पहलू ही लिखने हैं। तो केवल चीजों को वहीं का वहीं लिखना क्या होता है, जरूरी। समझ आया दोनों का फर्क, टिप्पणी करो में विचार रखने की स्वतंत्रता, पक्ष विपक्ष दोनों, जब बात करो व्याख्या की तो हमेशा कथन की सहमति होना बाध्यकारी है, जो कथन लिखा है उसी कथन के पक्ष में आंसर लिखना होगा, यह बाध्यकारी है, उसके अलावा आप कोई आंसर उसमें नहीं लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, क्लियर है। डिस्कस करो का मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल जो सामूहिक रूप से, सपोज करो कि मैंने कहा मोदी अच्छा नेता है तो संपूर्ण भारत के लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है। यानी वही कह सकते हो कि पक्ष विपक्ष दोनों लिख सकते हो, परंतु यहां व्यक्तिगत लिख रहे थे, यहां कौन सा लिखोगे, सामूहिक लिखोगे, ऐसा ही होगा। लेकिन जब बात मूल्यांकन की आएगी तो आपको उचित मूल्यांकन करना होगा, अगर सारे लोग सहमति में हैं तो पक्ष में लिखना होगा, अगर कुछ लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में भी लिखना होगा। मूल्यांकन का मतलब होता है पूरी कहानी का निष्कर्ष लिखना होगा, क्लियर है। जैसे सपोज करो मैं क्लास पढ़ा कर गया, पढ़ाने के बाद तुम सबने चर्चा की कि भाई ये चीज आज समझ आई नहीं आई, है ना, उसको तो हम क्या कह देते हैं, चर्चा करना, क्लियर है। क्लास जैसे ही खत्म हुई मैनेजमेंट आता है तुम्हारे हाथ में एक सजेशन का पत्र लिख देता है कि भाई इस पर लिखो कि आज की क्लास कैसी थी, तो वो क्या हो गया,
मूल्यांकन हो गया, वो क्या हो गया, मूल्यांकन। तुम जज्जी तो कर रहे हो कि जो समझाया समझ नहीं आया बिल्कुल ही, है ना, आज तक पढ़ाया समझ आया पर आज वाला नहीं आया, या आज वाला आया, जो भी चीजें थी इसको इस तरीके से बताना चाहिए था, ऐसी चीजें होनी चाहिए थी, इसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन करना। क्लियर है? ये सटीक होता है, ये असीमित होता है, गौर से सुनना, ये सीमित होता है, ये क्या होता है, असीमित होता है। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब जरा देखो, ये जो फैक्चुअल होते हैं बहुत आसान होते हैं, इनमें भी बस थोड़ी चीजों को जानने की क्या होती है, आवश्यकता। जैसे सपोज करो, किसी बात को दिल पर मत लेना, लेकिन क्योंकि तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाऊंगा, आसानी से समझ आएगा, वैसे तो तुम सारे हीरे हो मुझे उम्मीद है ना? कि तथ्यात्मक सवाल की बात आती है, तो सपोज करो तुम में से ही कोई बैठा अक्ष नामक लड़का है ना, इस अक्ष नामक लड़के ने आईएएस की एग्जाम दी और आरएएस की दोनों की एग्जाम दी, दोनों में क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। तो पिताजी मेरे पास आते और आकर कहते हैं कि गुरुजी ये बताओ इस लड़के के फेल होने के कारण क्या है। क्लियर है? तो गुरुजी ये थोड़ी कहेंगे कि इसका दिमाग कम चलता है या जो भी सटीक चीजें होंगी वही बताएंगे। गुरुजी बताएंगे कि 365 दिन की क्लास में 65 दिन तो क्लास में आया था, टेस्ट जिस दिन चला उस दिन हमेशा क्या रहता था, क्लास में जब भी रहता था फोन पे रहता था, और कभी कभी तो मैंने इसको पार्क में कंबाइन स्टडी करते हुए पकड़ा था, है ना। गुरुजी जब भी इसकी नजर मिलती थी वहां से ये क्या हो जाता था, तुरंत फरार हो जाता था, है ना। ये वो कुल कारण है जिनकी वजह से ये लड़का एग्जाम में क्या हुआ, फेल हुआ। क्लियर है? जब बात कारण की आती है तो इनके लिए विचार की जरूरत पड़ती है कि जो एग्जैक्ट सटीक चीजें हैं वही लिखनी पड़ती हैं, जो सटीक चीजें हैं। क्लियर है? याद रखना, अब ऐसा थोड़ी लिख सकता हूं कि आगे चलकर बन जाएगा, अभी इसका विचार थोड़ा मजबूत नहीं हुआ, आगे बढ़कर ये थोड़ा और मजबूत होगा, है ना। जो एग्जैक्ट इस बार फेल होने के कारण है वही मुझे तुम्हारे पिताजी को क्या करने होंगे, बताने होंगे। क्लियर है यहां तक? तो जरा देखो मैंने क्या बताया, कारण। तो फिर गुरुजी से पूछेंगे, अब गुरुजी से पहले पिताजी ने पूछा कारण क्या रहा, अब गुरुजी पिताजी से पूछेंगे कि कारण तो मैंने बता दिया परिणाम क्या रहेगा। तो पिताजी आदेश सुनाते हैं कि आज से लड़का हमारा लड़का नहीं है, हमने संपत्ति से इसे बेघर कर दिया है, और आज से और इसका हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये क्या होता है, परिणाम। आया कि नहीं, जो कहानी आई उस कहानी का क्या रहा, परिणाम। परिणाम तत्कालीन है कि दीर्घकालीन है, तत्कालीन, है ना। हाथ तो हाथ पिताजी ने फैसला सुना दिया, रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया जब गुरुजी ने कंबाइन स्टडी का नाम बताया, है ना। तो कहानी क्या हो गई, खत्म हुई, हुई कि नहीं हुई। तो परिणाम हमेशा होता है तत्कालीन, याद रखना, शॉर्ट टर्म का। समझ आ रही है बात को? प्रभाव जो होता है वो दीर्घकालीन होता है, गौर से सुनना। कभी कभी हम लोग परिणाम और प्रभाव में फर्क नहीं कर पाते हैं। जो प्रभाव होता है वो सदैव दीर्घकालीन होता है, कि जैसे ही ये बात पूरे रामपुर में फैली कि रामलाल का अक्ष नामक लड़का सीकर गया था आईएएस की तैयारी करने, फेल हो गया क्योंकि वह कंबाइन स्टडी करता था, उसके सारे गुण खत्म हो गए, परिणाम स्वरूप पिताजी ने संपत्ति रिश्ते और सारे उस लड़के से क्या कर लिए हैं, तोड़ लिए। तो पूरे रामपुर में एक कहानी आ गई कि लड़के को किसकी तैयारी मत कराना, आईएएस आरएएस। कारण क्या है कि अगर कराओगे तो क्या तोड़ना पड़ेगा, रिश्ता। कराओगे तो लड़का क्या करेगा, कराओगे तो इज्जत दांव पर लगना क्या होगी, शुरू होगी। तो पूरे रामपुर ने कसम खाई कि लड़के को किसकी तैयारी नहीं करानी है, आईएएस आरएएस की। और अगर कुछ थोड़ा बहुत कसम खाते भी हैं कि तैयारी करानी है, तो फिर वो क्या निर्णय लेते हैं कि सब कुछ संभव है लेकिन कभी सीकर मत कराना, है ना। कहीं भी कराना लेकिन कहां तैयारी मत कराना, सीकर मत करना। और सीकर में कराओ तो कम से कम गुरुजी के पास तो मत कराना, क्योंकि वहां कंबाइन स्टडी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो प्रभाव है ये दीर्घकालीन होते हैं। ऐसा तो नहीं है रामलाल का फैसला सुनते ही पूरे रामपुर ने हाथों हाथ फैसला ले लिया कि क्या सोच होगी, समय लगा होगा। उस कहानी को आधार रखकर लोगों ने क्या किया, प्रभाव बनाया। कहते नहीं है कि तुम तुम्हारे परिवार में आईएएस बन जाओ गारंटी है पूरा परिवार क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। कारण क्या है, तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षा का महत्व समझोगे, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो तुम्हें देखकर क्या होगी, प्रेरित होगी कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तुम उनके अंदर प्रेरणा को ज्यादा विकसित करोगे। तो जो प्रभाव होता है वो सदैव क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। क्लियर है? और प्रकाश डालो, बता ही चुका हूं, है ना। जो जो चीजें आती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना क्या होता है, प्रकाश डालो। तो अर्थ क्या हुआ, 1857 की क्रांति के कारण बताओ, तो क्या क्या कारण रहे, 1857 की क्रांति के परिणाम बताओ,
प्रभाव बताओ और प्रकाश डालो का मतलब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्रांति जब तक चली थी उसका पूरा विवरण देना क्या होता है, प्रकाश डालो। क्लियर है? कहीं ये भी लिखा रहे प्रकाश डालो या कथन के संदर्भ में अपने चीजों को लिखना शुरू करो तो सेम एक ही बात होती है। क्लियर है? कोई आपत्ति यहां तक हो तो पूछो। समझ आया पहले वाला? है ना, अभी चीजें अभी आ रही हैं लेकिन घर जाओगे तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी, है ना, तो इनको एक बार लिखने के बाद घर जाकर शुरू भी करना। ठीक है, कोई भी सवाल जब हम लोग करते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं बस इतने ही तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है, पर जब भी कोई आंसर लिखते हो तो तुम्हें शब्द सीमा होगी 200 शब्द। आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान होता है, और कभी कभी तुम में से अजीब भी लगता है, तुम आकर पूछते हो गुरु जी कोई सा भी पेन इस्तेमाल ले सकते हैं क्या, ये जो हम लिखते हैं की का, है ना, ये शब्द गिनने जाते हैं कि नहीं? ये तो वो लड़का पूछना चाहिए जिसने सारी तैयारियां कर ली हो, जिसको आंसर लिखना आता हो, है ना, जो बहुत कुछ जानता हो, है ना। तुम तो यहीं अटके हो भी कौन सा पेन काम लेना है कौन सा पेन नहीं काम लेना है, तो ये सब भ्रम होता है, याद रखना। आप किसी पेन से लिखो, है ना, हालांकि अगर उसमें नियम लिखा है कि ठीक है ब्लू कलर के पेन का इस्तेमाल करोगे तो फिर ब्लू करो, कहां जरूरत है दूसरी चीजों पर जाने की, है ना। अब उसमें भी कुछ लोग कहते रहते हैं कि इंक वाला इस्तेमाल करूं कि दूसरा इस्तेमाल करूं, है ना। अरे तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई स्कूल की तैयारी नहीं है कि किसका इस्तेमाल करो किसका नहीं करो, है ना। जब बात 200 शब्दों की आती है तो बहुत सीमित शब्द होते हैं। क्या होते हैं? सीमित शब्द। और आपके पास ज्ञान का भंडार असीमित होगा, याद रखना, गारंटी दे रहा हूं। अभी तो कम पढ़े हो, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो यह समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, इसके बीच में मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। जब ज्ञान का भंडार असीमित है और शब्द सीमित है तो किसी भी सवाल का आंसर देने से पहले एक शब्द तो यह देखना पड़ता है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड। सदैव किसी भी आंसर को लिखते हो तो पहली चीज ये देखो कि क्वेश्चन के अंत में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल लिया गया है। अगर यह लिखा है कारण बताओ तो फिर क्या हो गया? तथ्यात्मक। कारण का मतलब एग्जैक्ट बताना है, विचार विचार कुछ भी नहीं लिखना है। ये लिखा रहता है परिणाम बताओ तो फिर एग्जैक्ट क्या बताना है? परिणाम। अब वहां यह मत बताना कि 1857 की क्रांति ऐसे ऐसे शुरू हुई थी ऐसे ऐसे खत्म हुई और इसके ये प्रभाव रहे, ना, डायरेक्ट क्या बताना है? परिणाम। क्लियर है? अगर ये पूछे प्रभाव क्या है तो क्या बताओगे? 1857 की क्रांति के निम्न प्रभाव रहे, यही होगा। और अगर ये कहे कि प्रकाश डालो तो 1857 की क्रांति कब शुरू और कब खत्म हुई, ना तो उससे पहले ना उसके आगे। कुछ लोग क्या करते हैं माहौल बनाने के लिए, आगे बताऊंगा क्या पद्धति होती है कि माहौल बनाने के लिए आगे पीछे शुरू हो जाते हैं कि 10 जून 1857 की क्रांति शुरू होने से पूर्व है व्यवस्थाएं तो हम लोगों ने क्या है जनवरी के माह में ही कर ली थी, है ना, जनवरी में ही रणनीतियां शुरू हो गई थी, फरवरी में आते आते हमने सेना तैयार कर ली, मार्च तक आते आते हमारा विचार बना कि हम किस तरीके से लड़ेंगे और अंत में आकर जून पर टिकते हो, तो कोई महत्व नहीं है ना। प्रकाश डालो का अर्थ क्या है? जिस दिन शुरू हुई कहानी और उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म हुई केवल उसी का विवरण देना क्या होता है? प्रकाश डालो। क्लियर है? ये सारे कीवर्ड होते हैं, जो भी शब्द लिखा रहे। जैसे सपोज करो टिप्पणी करे तो टिप्पणी करे के अनुसार आंसर होगा, तो जैसे ही शब्द पढ़ते हो टिप्पणी करे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पहला काम स्वयं का विचार, दूसरा काम स्वतंत्रता, यही है ना, कि पक्ष विपक्ष दोनों। और अगर ये लिखा रहे हैं व्याख्या करो तो पहला दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्वयं के विचार लिखने हैं और दूसरा काम क्या करना है? केवल कथन के पक्ष में लिखना है। क्लियर है? तब जाकर तो आंसर लिख पाओगे, वरना नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो पहला शब्द होता है वो सदैव हमें देखना पड़ता है, वो क्या है? कीवर्ड। क्लियर है? और जब हम कीवर्ड पकड़ लेते हैं तो जो अगला शब्द होता है वो क्या पकड़ना है? की पॉइंट सवाल का। और जब की पॉइंट समझ में आ गया तो मानकर चलो बाकी की 50% मेंस पास हो गई। अजीब तो लगेगा जब मैं कहानी कहूंगा कि 50% तो पास हो गई कब? जब यह समझ में आ गया कि क्या लिखना है, और 50% तब समझ आ गई कि जब यह समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। तुम्हारी एग्जाम तो यहीं पास हो गई, आगे क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो उसका कोई महत्व नहीं है। बस ये समझ लेना, ये दो शब्द अगर पकड़ लिए कि क्या तो कीवर्ड है यानी किस पक्ष विपक्ष में लिखना है, किस तरीके से लिखना है और किन मुद्दों पर लिखना है, तब तुम्हारी एग्जाम क्या होगी? 100% क्लियर होगी। क्लियर है? अब जा देखो की पॉइंट का अर्थ क्या है। कि मैं कहूं कि अमित सर अच्छे टीचर हैं, व्याख्या कीजिए, तो क्या करना होगा?
व्याख्या का मतलब किसके विचार, सामूहिक की खुद के, खुद के पक्ष में कि विपक्ष में, केवल पक्ष में। तो फिर अमित सर के बारे में कि टीचर के बारे में कि अच्छा टीचर है इसके बारे में। अब चुनौती तुम्हारे यही हो जाती है। अब गौर से सुनना, इनको कहते हैं की पॉइंट। क्या कहते हैं? की पॉइंट। पहला की पॉइंट तो कौन है, दूसरा कौन है, अच्छा टीचर। क्लियर है? यहां दो ही की पॉइंट है। हर सवाल में किसी में तीन मिलेंगे, किसी में चार मिलेंगे, किसी में दो मिलेंगे। यहां दो ही है कि अमित सर अच्छा टीचर है, इसी पर आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो तुम कहां अटक जाते हो कि पहला तो तुम सोचते हो कि हल्के में ना ले ले मुझे ना, इसलिए फिर शुरू होते हो कि अमित सर यहां यहां पैदा हुए थे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे, पहले तो कुछ नहीं आता था पर हमसे मिले तब बहुत चीजों को जानना शुरू किया, है ना। तो 50-60 शब्द 100 शब्द किस पर लिख दिए, अमित सर पर, है ना। फिर और प्रभाव जमाना है, है ना। तो जब प्रभाव जमाना है तो पैराग्राफ चेंज करते हो और कहते हो शिक्षक की गरिमा ये होती है, शिक्षक के मापदंड ये होते हैं, इन मापदंडों के अनुसार इनमें ये चीज है ये नहीं है, ये किस पर हो गया, शिक्षक पर। और जब 200 शब्द पूरे हो गए तो अंत में एक चीज लिखते हो निष्कर्ष के तौर पर, अमित सर एक अच्छे टीचर है ना। पूछा क्या था, तो जो तुमने लिखा है ना वो तो उसकी मजबूरी है जीरो देना। अगर उसकी इच्छा हो, अगर उसको स्वतंत्रता हो कि -5 भी टिका सकता है तो गारंटी है -5 ही टिकाएगा, है ना। क्योंकि तुम उसे चुनौती दे रहे हो कि ढूंढ निकाल अमित सर अच्छा टीचर है कि नहीं है ना। क्योंकि तुम तो अमित सर बता रहे हो, तुम तो टीचर के मापदंड बता रहे हो, तुम ये थोड़ी बता रहे हो कि अच्छा टीचर है या नहीं है। और पूछा क्या था, आप खुद सोचो कि कभी गौर से इन चीजों को लिखते समय सोचकर देखो कि अगर पहला क्वेश्चन ये दिया और दूसरा ये लिख दे कि अमित सर के बारे में विवरण करो, तो चुनौती कम हो कि ज्यादा, तब ज्यादा हो जाए। क्योंकि अभी जो फिर मन में आएगा कि अभी तो बताकर आए हैं ना, अब दोबारा उसी को पूछ रहा है ना, और फिर अगली बार में पूछ ले कि एक अच्छे टीचर के मापदंड क्या होते हैं, तो चुनौती और बढ़ जाए कि जो तीन पैराग्राफ लिख कर आए हो उनमें से तीसरा भी यहां क्या करने को है, उतारने को मजबूर कर दिया। तो याद रखना कि पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। ये कुल मिलाकर टोटल कहानी होती है। और जो बीए की हमारी कहानी है उसको भूल जाना कभी भी। देखना बीएससी वाला लड़का सामान्य तौर पर 10% बच्चा ऐसा मिलेगा बीएससी वाला जो सही बताता है कि पेपर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, पता चल जाता है उसको पेपर जब देता है बीएससी का। पर कभी सुना है बीए वाले के मुंह से पेपर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ना? वो सदैव यही कहेगा सब करके आ गया ना, ना? अब सब करके आ गया का मतलब क्या है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, उसने जितने भी सवाल पूछे थे सब में 5-5 पेज भरने थे, उसने भर दिए। वो बात अलग है कि पहला तीसरा चौथा आंसर सब सेम है, परंतु फिर भी लिख कर तो आया है, उसको महसूस होता है कि सब मैंने कर दिया। ये जो बीए की आदत है यही चुनौती है। अब भाई खुद ही सोचो, मैं तुम में से किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहते हो कि मेरा नाम मुजीब है ना, पर तुम ये कहते हो कि केवल मुजीब बताऊंगा तो हो सकता है सर हल्के में ले ले ना। तो तुम शुरू होते हो कि सर मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनका शुरुआत से बचपन से गहरे दोस्त रहे महात्मा गांधी, है ना। उसके बाद मेरे पिताजी ने सेना में अपने पद को संभाला, मेरे पिताजी मेजर जनरल थे, इन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं, 62-65 के युद्ध के हीरो थे, है ना। और 1995 में मुझ जैसा उत्पादन हुआ और मेरा नाम शेख मुजीब है। मेरा नाम क्या है, शेख मुजीब है। अब तुम्हें तो क्या लगा गुरुजी हल्के में ना ले ले, अगर डायरेक्ट ये बता दोगे कि मुजीब हूं तो गुरुजी सोचेंगे सामान्य सा आदमी है। अब तुमने मुझे उस पृष्ठभूमि को पढ़ाकर डराने का प्रयास किया है कि मुजीब अकेला नहीं है, मुजीब की ताकत बहुत पुरानी है ना। ये मुजीब जो है इसका वंश बहुत मजबूत है, और ये जो वंशवाद होता है, ये जो कहानी होती है, इसको बीए की लैंग्वेज कहते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पूछा जाएगा कि बताओ अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति क्या थी, तो ये थोड़ी बताओगे धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, शुरू हो जाओगे अकबर कौन था। अब जो इतिहास वाला है वो तो अकबर पर ही अटका रहेगा, अकबर का जन्म इतनी तारीख को, इतने युद्ध लड़े, इतनी शादियां की, इतनी पत्नियां थी, और इतने युद्ध के बाद इतनी तारीख को शहीद हो गया, और अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति बहुत महान थी ना? और जिसका पॉलिटी बैकग्राउंड होगा वो क्या करेगा, अकबर ऐसा ऐसा था, अकबर ने ये किया। और धर्मनिरपेक्षता दो पहलू की होती, एक पंथ निरपेक्षता, दूसरी धर्मनिरपेक्षता। उस दौर में पंथ निरपेक्षता नहीं चलती थी, धर्मनिरपेक्षता चलती थी, जिसमें सभी धर्म एक सम्मान होते थे और सभी धर्मों का व्यवहार एक जैसा सरकार का होता था। अंत में लिखोगे अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति बहुत बेहतर थी ना? दोनों ही नहीं पूछे साहब हमने, हमने क्या पूछा है कि अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति कैसी थी, है ना। तो बहुत फर्क होता है। अभी जब पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि बहुत कुछ है, आ जाएगा, और इतना आसान होता है तो चुटकी बजाते ही कर देंगे। पर सवाल क्या है जरा देखो, जो जो कहानी मैंने आपको बताई है ये तभी संभव है जब आप क्या करोगे,
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ क्या है कि सदैव ये जो आज जो नोट्स लिखवा रहा हूं इनको तो एक पेज पर उतार कर रखो, जब भी कोई सवाल करते हो तो इनको आंखों के सामने खोल लो, कोई आपत्ति नहीं है देख कर करने में, आंखों के सामने खोल लो और खोलने के बाद क्या करो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके आगे लिखा टिप्पणी करो तो इसमें जाओ टिप्पणी का अर्थ क्या है, वहां जो शब्द लिखा है उस शब्द पर जाओ और उस शब्द पर जानने के बाद इस क्वेश्चन पर वापस लौटो कि यहां क्या बताना है। टिप्पणी का मतलब खुद के विचार और स्वतंत्रता, तो साइड में लिख लो खुद के विचार और स्वतंत्रता, फिर उस सवाल के की पॉइंट निकालो, उनको आप नंबर वाइज लिखो और फिर उसका एक निष्कर्ष निकालो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आगे एक दो क्वेश्चन कराता हूं तो और समझ में आएगा कि कैसे करना है। उस निष्कर्ष को लिखो और उसके बाद क्या करो कि उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट अपने पास लिखो। मैं गारंटी दे रहा हूं इतना आसान लगेगा कि जितना आपने शायद जीवन में कभी भी नहीं किया, लेकिन एक बार अगर इसकी आदत लग गई तो 100% एग्जाम पास है, क्योंकि एक सवाल से नहीं होगी, कम से कम जब तुम 100 से 150 क्वेश्चन इस लेवल के करोगे ऐसे बैठकर आंखों के सामने नोट्स को लिख कर करोगे तब जाकर क्या होगा कि एक आदत सी बनेगी, तब जाकर क्या होगा कोई भी सवाल पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आएगा क्या पूछना चाहता है क्या बताना है, और जिस दिन यह आ गया उस दिन एग्जाम पास हो गई, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बार कहता हूं कि परी तुम्हारे हाथ में है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पर यह गारंटी है कि मेंस अगर जैसे बता रहे हैं जैसी चीजों को समझा रहे हैं इनको अगर लिखते गए पढ़ते गए समझते गए तो 100% क्या हो जाओगे पास। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आरएस के पिछली बार के भी 85% सवाल नोट्स में से थे, ठीक है, जो नया सिलेबस जुड़ा था वो एक महीने पहले जुड़ा, उसको छोड़कर 85% सवाल नोट्स से हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पढ़ाई हुई, और ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो भी अच्छे टीचर होंगे जो भी उच्च स्तर की कोचिंग होगी जो केवल आरएस के उद्देश्य से पढ़ा रही होगी उस हर कोचिंग के नोट्स में आपको ये मिलेगा कि वहां सेम वही सवाल है जो उन्होंने नोट्स में लिखा है। कारण क्या है, टीचर सब कुछ बताकर जाता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ सवाल पीछे छोड़कर जाते हैं। कोई भी क्लास खत्म होती है तो तुम्हारे दिमाग में संदेह होता है तो तुम पूछ लेते हो, लेकिन छोड़कर तो यही जाता है कि तुम्हें जो आज पढ़ाया वो सब कुछ समझा कर गया है, यही होता है। इसका मतलब तो चीजें पढ़ाई हैं समझ तो आई हैं, बस उनको समेटने की जरूरत है कि कैसे चीजें होंगी कैसे नहीं होंगी। क्लियर है, तो पहले एक बार ये लिखो फिर आगे बताता हूं। कोई तुम्हारी तरफ से सवाल हो तो पूछो। पहला लिखना ऊपर आंसर राइटिंग स्किल, शुद्ध हिंदी में होता उत्तर लेखन कला। उत्तर लेखन कला, जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट के 20 और डेली एक क्वेश्चन उस पर पोस्ट करना भी शुरू कर दिया, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, है ना, तो सेम कहानी आपको अपनानी है। हाँ जी बोलो। चलो देता हूँ, 5 मिनट बाद मिलते हैं।
कितने ऐसे हो जिन्होंने आईआर पढ़ ली, कितने ऐसे हो जिन्होंने आईआर पढ़ ली, ऑलमोस्ट ने लिखो आंसर राइटिंग स्किल। पर्सन दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सन दो प्रकार के होते हैं। पर सब कुछ गुम कर देना, इनको गुम मत कर देना, है ना, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा पूरे साल में, सोच लेना, ठीक है। पहला लिखना तथ्यात्मक, ये जो हिंदी वाले हैं अंग्रेजी में भी लिख लेना, ना फैक्चुअल, तथ्यात्मक, आगे लिखना वर्णात्मक, दोनों एक ही चीज होती है, तथ्यात्मक वर्णात्मक फैक्चुअल, और दूसरा लिखना कॉन्सेप्चुअल विचारात्मक, कॉन्सेप्चुअल विचारात्मक। तथ्यात्मक के ब्रैकेट में तो आरएस लिख लेना, ये सब इसलिए ताकि तुम्हें समझ आए, है ना, और विचारात्मक के ब्रैकेट में यूपीएससी आईएस लिख लेना। अब ए लगा के लिखना तथ्यात्मक फैक्चुअल, पहला लिखना कारण, दूसरा लिखना परिणाम रीजन रिजल्ट, तीसरा लिखना प्रभाव इंपैक्ट, तीसरा लिखना प्रकाश इन द लाइट, कहीं लिखा मिलेगा इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट, है ना, ठीक है, इसी को कहते हैं ना प्रकाश, या ब्रेकेट में लिखना वर्णन एक्सप्लेन, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना इन प्रश्नों के उत्तर लेखन में, इन प्रश्नों के उत्तर लेखन में स्वयं के विचार की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं के विचार की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मजबूत उत्तर लेखन के लिए, मजबूत उत्तर लेखन के लिए तथ्यों का होना अनिवार्य है, तथ्यों का होना अनिवार्य है। तथ्यों को अंडरलाइन कर लेना, तथ्यों का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ स्वयं का दृष्टिकोण, स्वयं का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए केवल, इसके लिए केवल घटना का क्रमबद्ध होना,
घटना का क्रमबद्ध होना जरूरी होता है, घटना का क्रमबद्ध होना जरूरी होता है। लाइन चेंज करके लिखना, कारण के दृष्टिकोण में, कारण के दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष कारणों का विवरण करना होता है, प्रत्यक्ष कारणों का विवरण करना होता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष कारण का अर्थ क्या है कि जैसे हमने 1857 की क्रांति की बात करोगे तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था वह महत्वपूर्ण है। यह नहीं कहोगे कि अंग्रेजों ने इतने साल तक शोषण किया, परिणाम स्वरूप ऐसी ऐसी कहानी हुई है ना, वो तो क्या हुई, कहानी का आधार हुआ ना, कारण कोई एग्जैक्ट रहा होगा ना, किसी एक घटना के उद्देश्य की वजह से क्या शुरू हो गई 1857 की क्रांति। तो जो प्रत्यक्ष कारण होता है उसी का महत्व होता है। क्या लिखा है लाइन पूरी, विवरण करना होता है, लाइन चेंज करके लिखना, परिणाम के दृष्टिकोण में, परिणाम के दृष्टिकोण में तत्कालीन निष्कर्ष को स्पष्ट करना होता है, तत्कालीन निष्कर्ष को स्पष्ट करना होता है। परिणाम सदैव तत्कालीन होता है, परिणाम सदैव तत्कालीन होता है। लाइन चेंज करके लिखना, प्रभाव के दृष्टिकोण में, प्रभाव के दृष्टिकोण में घटना अथवा निर्णय, घटना अथवा निर्णय के दीर्घकालीन प्रभाव को स्पष्ट करना होता है, के दीर्घकालीन प्रभाव को स्पष्ट करना होता है। ये किसी भी कारण और परिणाम का, ये किसी भी कारण और परिणाम का दूरदृष्टि प्रभाव होता है, दूरदृष्टि प्रभाव होता है। नेक्स्ट लिखना लाइन चेंज कर, प्रकाश अथवा विवरण के संदर्भ में, प्रकाश अथवा विवरण के संदर्भ में संपूर्ण, संपूर्ण घटना का क्रमबद्ध चित्रण करना होता है, क्रमबद्ध चित्रण करना होता है। पूरा लिखा है, ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग ऑफ, ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस, द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, द इंडिविजुअल आइडियोलॉजी हैव नो इंपोर्टेंस, हैव नो इंपोर्टेंस। But for a scoring answer,
बट फॉर ए स्कोरिंग आंसर इट इज कंपल्सरी टू इंक्लूड द फैक्ट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऐसे लिखा है, इसके साथ साथ स्वयं का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण नहीं है। क्या लिखा बोलो पूरी लाइन। इन सच ए क्वेश्चन द इंडिविजुअल परस्पेक्टिव हैव नो इंपोर्टेंस बट फॉर सच ए क्वेश्चन there should be explanation of everything in the sequence line change करके लिखना। In the perspective of reason, we need to explain the direct reasons for the incident. डायरेक्ट रीजन को अंडरलाइन कर लेना, लाइन चेंज करके लिखना। इन द परस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट वी नीड टू पुट एनालिसिस ऑफ इमीडिएट इंपैक्ट्स because result is always based on immediate impacts. लाइन चेंज करके लिखना। In the perspective of impact, we need to explain the outcome and the long-term impact of any incident or decision. It has always the wider perspective than any result. ये जो लिखा ना, परिणाम दूरदृष्टि प्रभाव होता है ना। इसके आगे एक लाइन और एडजस्ट करो अगर हो जाए तो।
ये परिणाम का दूरदृष्टि लिखा है क्या, या परिणाम की, इसको परिणाम की कर लो, परिणाम की दूरदृष्टि प्रभाव होता है। अब आगे एक लाइन चेंज करके लिखना इसी में, प्रभाव परिणाम से अधिक व्यापक होता है, प्रभाव परिणाम से अधिक व्यापक होता है। अब लाइन चेंज करके लिखना, इन द परस्पेक्टिव ऑफ लाइट ऑफ स्टेटमेंट, इन द परस्पेक्टिव ऑफ लाइट ऑफ स्टेटमेंट एंड एनी एक्सप्लेनेशन, एंड एनी एक्सप्लेनेशन, वी नीड टू पुट द एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड एज इट इज। नोट करके लिखना, ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में ज्ञान की समझ से अधिक, ज्ञान की समझ से अधिक ज्ञान के भंडार का महत्व होता है। इन सच्चे क्वेश्चंस इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज फैक्ट्स एंड द डिटेल्ड स्टडी। नेक्स्ट लिखना विचारात्मक कॉन्सेप्चुअल। ऐसे सवालों में विचार का महत्व होता है, तथ्यों का नहीं, विचार का महत्व होता है तथ्यों का नहीं। इन सच्चे क्वेश्चंस देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन प्लेस ऑफ फैक्ट्स। मजबूत विचार के लिए तर्क का होना बेहद जरूरी होता है। तर्क को अंडरलाइन कर लेना, मजबूत विचार के लिए तर्क का होना बेहद जरूरी होता है। फॉर ए स्ट्रोंगर आइडियोलॉजी लॉजिक्स हैव मोर इंपोर्टेंस। फर्क समझ आया क्या लिखा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है, इस पर मैं अपने विचार लिखता हूं, व्यक्तिगत लिखूं सामूहिक लिखूं वो महत्व नहीं है,
जब विचार लिखता हूं तो मैं ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, इस तरीके से किया और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उससे बेहतर क्या है मैं तर्क दू। तर्क का अर्थ क्या है कि 4 साल के शासन के दौरान विश्व के किसी भी शासक ने, है ना, इतनी बड़ी जीडीपी की ग्रोथ नहीं की, ठीक है, इतना बड़ा वैश्विक स्तर पर मंच स्वीकार नहीं किया। अब ये जो लाइन लिखी है मैंने कि वैश्विक मंच पर अपना महत्व साबित नहीं किया, तो उसके आगे जैसे मैं लॉजिक लिखूं, जैसे कि भारत में यूएनओ में भारत का महत्व बढ़ रहा है, G4 की मांग का समर्थन हो रहा है, 27 सीट के पक्ष में दुनिया पक्ष में है, ठीक है, ब्रिक्स जैसी संस्थाओं में हमारी उपयोगिता बढ़ चुकी है, एशियो में हम महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ये लॉजिक हो गए, है ना। तो जब लॉजिक होता है तो विचार को बल अपने आप क्या हो जाता है, मिल जाता है। एक तो होता अंधेरे में तीर लगाना, ठीक है, कि जानते सब कुछ हो परंतु उस जानने के साथ जब तर्क दे देते हो तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सटीक जानते हो, क्या करते हो, सटीक जानते हो। क्लियर है, नोट करके लिखना। ऐसे सवालों में ज्ञान की समझ महत्वपूर्ण है। ज्ञान की समझ महत्वपूर्ण है। इन सच क्वेश्चंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। अब अभी तो सब समझ आ रहा है, 6 महीने बाद जब इस लाइन को पढ़ोगे तो अजीब सा लगेगा कि गुरुजी कह रहे हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान का महत्व होना चाहिए, है ना। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो महत्व कहां से आया, है ना, तो उस समय फिर गुरुजी पर गाली निकालने की इच्छा होगी। तो यहां अर्थ क्या है कि जब बात फैक्चुअल क्वेश्चन की करते हो तो चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है, कौन मोदी है, क्या विदेश नीति है, क्या कूटनीतिक संबंध बने हैं, इसको तो क्या कहते हैं, ज्ञान का भंडार। क्लियर है, तो जब बात फैक्चुअल होगी तो उसी का महत्व होगा। तुम बहुत बड़े विशेषज्ञ हो, तुम बता सकते हो कि मोदी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सवाल कौन से होते हैं, तथ्यात्मक। लेकिन जब बात कॉन्सेप्चुअल की होती है तो मोदी कौन है, विदेश नीति क्या है, कब पंचशील से लेकर 2018 तक की नीति क्या रही है, कैसे नेहरू युग रहा, कैसे नेहरू युग के बाद का समय रहा, उसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि तुम बता सको कि मोदी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। क्लियर है, तो उसको कहते हैं ज्ञान का महत्व। तो यह मत समझना कि इसका मतलब ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। अर्थ क्या है कि सवाल पर इंपोर्टेंस सदैव किसका होता है, जो समझ होती है उस कहानी का, ठीक है। विचारात्मक सवाल 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स। विचारात्मक सवाल 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला लिखना स्वयं के विचार, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। इसमें 2 तरीके के सवाल होते हैं, इट हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला ए लगा के लिखना टिप्पणी करो कमेंट। बी लगा के लिखना व्याख्या करो। एनालिसिस, अब लिखना टिप्पणी करो में। विचार पक्ष और विपक्ष अथवा दोनों में रखने की स्वतंत्रता होती है,
incumbent. Individual have freedom to have the perspective, to have the perspective. In the pro and the NT, in the pro and the NT of the statement, of the statement, in the pro and the NT of the statement. Next लिखना, व्याख्या करो में कथन की सहमति होना अनिवार्य है. कथन की सहमति होना अनिवार्य है. इन द एनालिसिस द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव शुड बी इन द फेवर ऑफ, शुड बी इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट. अब लिखना सामूहिक विचार या सामूहिक दृष्टिकोण, कलेक्टिव पर्सपेक्टिव. इसमें दो स्तर के सवाल होते हैं. इट हैव टू पर्सपेक्टिव, इट हैव टू पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस. पहला लिखना डिस्कस, चर्चा करें. उसके आगे लिखना इसमें सामूहिक रूप से, इसमें सामूहिक रूप से किसी भी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष रखा जाता है. कलेक्टिवली On any issue, the favor and against it is discussed. Is discussed. Next लिखना मूल्यांकन करें, evaluation. पहला चर्चा करें, दूसरा मूल्यांकन करें, evaluation. मूल्यांकन सटीकता, विश्वसनीयता. मूल्यांकन सटीकता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर आधारित होता है, निष्पक्षता पर आधारित होता है. इसमें सदैव, इसमें सदैव सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन, ऐसे लिखना इसमें सदैव सकारात्मक और नकारात्मक पहलू शामिल होते हैं. सकारात्मक नकारात्मक पहलू शामिल होते हैं. इवेल्युएशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन, is always dependent upon credibility, Sandeep, Sandeep, ये हनुमानगढ़ देख जरा. क्या लिखा है इंग्लिश में?
credibility, comparative, and the qualitative analysis the comparative analysis is one of the most important pillar is the one of most important pillar for any evaluation. The positive and negative components should be involved in the evaluation process. Tulnatmak adhyayan, tulnatmak adhyayan kisi bhi mulyankan ka सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, किसी भी पर्सन के संदर्भ में बेहतर लेखन कला सटीकता सरलता और क्रमबंध आधारित होती है। The better answer writing skill is always should be simplified, relevant, and orderly arranged. डेढ़ सौ से दो सौ शब्दों के उत्तर लेखन में तीन स्तर का होना अनिवार्य है। ब्रैकेट में लिखना विचारात्मक प्रश्न। वहीं दूसरी ओर तथ्यात्मक प्रश्न में सटीकता क्रमबद्धता के साथ एक स्तर होता है के साथ एक स्तर
होता है। अब यहां एक स्तर का तात्पर्य है कि परिणाम पूछा तो केवल परिणाम बताओगे, ठीक है, और एक ही ऑर्डर में बताओ, कोई आपत्ति नहीं है ना। कारण पूछा तो केवल कारण बताओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई एक उदाहरण दिया 1857 की क्रांति के बताओ, तो कुछ आदत होती है आंसर लिखने की, पहले तो लिखेंगे पृष्ठभूमि है ना, बैकग्राउंड ए लगाकर उस बैकग्राउंड में लिखेंगे 1857 कब था, उस समय तुम कहाँ थे है ना, क्या क्या चल रहा था, उसके बाद लिखते हैं इसके निम्न कारण थे है ना, फिर बी लगाकर लिखेंगे कारण है ना। तो एक तरफ तो लिख रहे हो निम्न कारण थे और दूसरी तरफ कारण दोबारा लिख रहे हो ना, तो ये गलत तरीका होता है। फिर उसके बाद उन कारणों को स्पष्ट करते हो, फिर सी लगा कर लिखते हो निष्कर्ष है ना, मेरी राय में इनमें से कुछ कारण ठीक नहीं थे या ठीक थे है ना। तो ये जो ए और सी लिखा है इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ सदैव एक या चरण का उत्तर होता है, वो क्या है कि आपको केवल कारणों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। हाँ, वो जरूर होता है कि क्रमबद्ध होने चाहिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसका दूसरा कारण पहले कारण की वजह से है, तो फिर पहला कारण लिखो फिर दूसरा कारण लिखो, और दूसरे की वजह से अगर तीसरा है तो फिर कौन सा लिखो, तीसरा लिखो, इसको हम क्रमबद्ध तरीका कहते हैं। और जब बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की आती है तो तीन तरीके की चीजें हो जाती हैं। पहला तो पैराग्राफ होता है सदैव कथन के संदर्भ में, अभी एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा, डेली एक एक करना शुरू करेंगे तो और चीजें बढ़ती जाएंगी। कथन के संदर्भ का मतलब क्या है कि जो कथन के पक्ष में हो, ठीक है, जो पूछा गया उस घटना के बारे में विवरण हो। फिर क्या होता है, एनालिसिस, अध्ययन, अध्ययन का अर्थ क्या, जिस तरीके की चीज पूछी गई हो। सपोज करो ये लिखा हो कि भारत की समृद्धि में, ठीक है, असुरक्षा मुख्य चुनौती है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए, तो आपको अपने विचार लिखने हैं। अब आप पक्ष में लिखो विपक्ष में लिखो, उससे पहले क्या है कि आपको क्या समझाना है भारत की समृद्धि और सुरक्षा को, तो कथन के संदर्भ में 20-30 शब्द होते हैं, ठीक है, उसके बाद पक्ष विपक्ष में जो लिखना चाहो, और अंत में एक कहानी होती है, उसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, तीनों ऑर्डर से होनी चाहिए। ऑर्डर से अर्थ क्या है कि जैसे सपोज करो मैंने सवाल दिया कि भारत की विकास समृद्धि में असुरक्षा मुख्य कारण है, असुरक्षा मुख्य कारण है समृद्धि नहीं बढ़ने का, तो समृद्धि और असुरक्षा का संबंध क्या हो गया, कथन के संदर्भ में। फिर आओ असुरक्षा के कारणों पर, उनको एनालिसिस करो समृद्धि के दृष्टिकोण में, और अंत में उसी के अंत को, जैसे दूसरा पैराग्राफ खत्म करते हो तो उसी के निष्कर्ष से तीसरा शुरू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जो मर्जी आए कुछ भी लिख रहे हो ना। तो इसको हम कहते हैं अरेंज ऑर्डर में होना, ये भेद क्या होता है जरूरी। सवाल करोगे तभी समझ आएगा, ऐसी बातों से संभव नहीं है कि हम चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो नोट करके लिखना, विचारात्मक प्रश्न में तीन स्तर होते हैं, विचारात्मक प्रश्न में तीन स्तर होते हैं। पहला लिखना कथन को स्पष्ट करना, कथन को स्पष्ट करना, दूसरा लिखना तर्क शक्ति के साथ विचार, तर्क शक्ति का मतलब हवाई फायर ना करना है ना, जो वास्तविकता हो वही लिखना तर्कों के साथ में, तर्क शक्ति के साथ विचार, और तीसरा लिखना निष्कर्ष। निष्कर्ष देना एक बार, इंग्लिश में आखिरी क्या लिखवाया था, जनरली, जनरली इन द आंसर राइटिंग ऑफ 150 to 200 words, 150 to 200 words,
देयर शुड बी थ्री फेजेज, देयर शुड बी थ्री फेजेज एट द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन and there should be orderly arrangement, there should be orderly arrangement at one phase in the factual equation, in the factual equation. Note करके लिखना, in the conceptual equation there should be following three levels, there should be following three levels. पहला लिखना to explain the statement, ब्रैकेट में लिखना द डिटेल्ड रिपोर्ट एंड फैक्ट्स शुड बी देयर, द डिटेल्ड रिपोर्ट एंड फैक्ट्स शुड बी देयर. ये जो लिखा ना कथन को स्पष्ट करना, इसके ब्रैकेट में लिखना तथ्य और संपूर्ण विवरण होना चाहिए, तथ्य और संपूर्ण विवरण होना चाहिए. दूसरा लिखना द आइडियोलॉजी विथ लॉजिक्स, द आइडियोलॉजी विथ लॉजिक्स. और तीसरा लिखना निष्कर्ष कंक्लूजन, निष्कर्ष कंक्लूजन. आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना प्रथम चरण में, कीवर्ड का चयन होना चाहिए, कीवर्ड का चयन होना चाहिए, मुख्य शब्द का चयन होना चाहिए. ठीक है, पर लिखना अंग्रेजी में ही कीवर्ड है ना. In the first phase, we should analyze the keyword. लिखना दूसरे चरण में मुख्य बिंदुओं का चयन होना चाहिए. इन द सेकेंड फेज देयर शुड बी एनालिसिस ऑफ की पॉइंट्स, लाइन चेंज करके लिखना सबसे महत्वपूर्ण शब्दों का चयन, शब्दों का चयन अपेक्षा, अपेक्षा के अनुकूल होना चाहिए, के अनुकूल होना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, one of the most important point is selection of words, selection of words should be appropriate and as per the need of question, as per the need of question.
कितने लोगों ने आईआर पढ़ ली है ना, उनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है बेटा, यू मत सोचना कि कैसे होगा, है ना, केवल समझाना उद्देश्य है कि किस तरीके की, जो जितना टोटल तुम पढ़ कर आए हो उस पूरी कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या संभव है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लिखो, जिन्होंने पढ़ ली है उनको तो आंसर आना चाहिए। हाल ही में, अब ये यूपीएससी तर्ज का है, ठीक है, फिर आरपीएससी पर आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को FATF हाल ही में पाकिस्तान को FATF ने पिछड़े राष्ट्रों की सूची में नामांकित किया है, या औपचारिक तौर पर नामांकित किया है। ऐसा करने के पीछे उचित कारणों को स्पष्ट कीजिए। और भारत पर क्या प्रभाव होगा, ऐसे लिखना, और भारत के लिए महत्व क्या होगा, चर्चा करें। रिसेंटली पाकिस्तान was formally added to grey list by the financial action task force discuss the reasons for such inclusion and its significance for India। तो एक बार सवाल को पढ़ो और जैसा पीछे बताया है उसके आधार पर एनालिसिस कर दो मिनट में बताओ कि क्या क्या तो इसमें लिखना है। मैं ये मानकर चलता हूं कि तुम इसका आंसर नहीं जानते हो, है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आंसर जानना नहीं जानना वो तो बाद का विषय है, ठीक है। जब चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप जानना शुरू कर दोगे, पर पहला काम क्या है ये देखो कि जैसा अभी पढ़कर आए हो कि क्या आंसर राइटिंग स्किल होती है, उस स्किल के आधार पर इसमें क्या तो लिखना है, किस मुद्दे पर लिखना है और किस तरीके से लिखना है, सबसे पूछूंगा। केवल दो मिनट का समय है तुम्हारे पास। अगर घूरने से पता चल जाता तो कब का ही पता चल जाता।
पहले सवाल को पढ़ो दो बार कम से कम, है ना, फिर जो पीछे पढ़ कर आया हो उससे एनालिसिस करो कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है। सवाल समझ आया क्या है? कोई संस्था है जिसका नाम है विश्व के स्तर पर FATF, है ना, नाम है फाइनेंशियल एक्स